हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज की अब तक की पूरी कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस सीरीज में होने वाली एक भी इंसिडेंस छूटी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। रिलीज होते ही इसे 9.2 की रेटिंग मिली है, जिसकी कहानी काफी यूनिक है, जहाँ एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे सब मंद बुद्धि कंसिडर करते हैं, लेकिन वो बच्चा वास्तव में टाइम ट्रैवल के थ्रू इस नए वर्ल्ड में आया है, लेकिन यहाँ पे किसी वजह से वो इस वर्ल्ड में फंस जाता है। आगे वो इस वर्ल्ड को समझने के लिए इसके स्पिरिचुअल पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगता है, जहाँ वो एक ऐसी जर्नी पे निकल पड़ता है कि अपनी इस मंद बुद्धि के टाइटल को रिमूव करने के लिए उसे कुछ ऐसा अपनाना पड़ता है जिसके लिए वो तैयार होता है, चाहे उसके लिए कोई डेवल ही क्यों ना बनना पड़े। और इसके लिए वो अन देवी देवताओं को भी चैलेंज करता है। अब वो उस वर्ल्ड में कैसे फंसता है और कहां से आया था और इसके बाद की कहानी आगे कैसे बढ़ती है, ये जानने के लिए हम ये एपिसोड को करते हैं शुरू। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक राजकीय सवारी दिखाई जाती है, जहाँ के राजा का नाम रेमंड होता है और वो काफी सालों से युद्ध के बाद अपने पैलेस वापस आया था। यहाँ पे एक ओल्ड मैन धक्का मुक्की करके जाके उससे मिलता है और उसे बताता है कि योर हाइनेस ने एक लड़के को जन्म दिया है, लेकिन बुरी खबर ये है कि आपके बेटे ने, जिसकी उम्र अब 3 साल है, उसने बचपन से एक शब्द भी नहीं कहा, जिसके चलते यहाँ पे पूरे पैलेस में ये रूमर फैल गया है कि वो एक मंद बुद्धि इडियट है। वो ना तो रोता है और ना ही हंसता है, बस आसमान की तरफ घूरते रहता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी यंग मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि हमारी इस सीरीज का मेन लीड है, जिसका नाम दुवई होता है, जहाँ उस पैलेस के सभी नौकर उस यंग मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं और वो यंग मास्टर भयानक बारिश में आसमान की तरफ देखते हुए चिल्ला रहा होता है, जैसे कि मानो वो गॉड को ही चैलेंज कर रहा होता है। जैसे उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आती है, हम देखते हैं कि यंग मास्टर को वहाँ पर एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। यहाँ पे बारिश में कोई ऐसे ही खड़ा रहेगा तो उसे तो ऐसा ही शॉक लगेगा। अब यहाँ दुवई बेहोश हो जाता है और आगे उसकी माँ लाइट की देवी से उसके लिए प्रार्थना कर रही होती हैं कि मेरे बच्चों को किसी भी ईवल स्पिरिट से दूर रखना, लेकिन वास्तव में उन्हें क्या पता था कि उनका ही बच्चा एक डेविल बन जाएगा। तभी हमें यहाँ एक्चुअल प्लॉट का पता चलता है कि दुवई एक एंटी ट्रैवलर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। यहाँ उसी टाइम ट्रैवल के चलते वो इस वर्ल्ड में फंस चुका है और अब तक उसने 270 बार से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने वर्ल्ड में वापस जाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर बिजली के झटके गिरना ये भी नाकाम रहा और उसकी ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गई। ये वो बताता है कि वो यहाँ तो बच्चा है, लेकिन उसकी उम्र काफी ज्यादा है और अपने प्रीवियस लाइफ में उसने जितने भी टाइम ट्रैवल के नॉवेल्स पढ़े हैं, ये सभी झूठे निकले, क्योंकि उसने सभी एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ ट्राई करके देख चुका है। ये वो यहाँ बेहोशी के हालत में एक नाम बोलता है, जो कि मैडी होता है। अब यहाँ जो महारानी होती है, पूरे पैलेस में ढूंढवाते हुए एक ऐसे इंसान को उसके सामने खड़ा कर देती है जिसका नाम मैडी होता है। उससे कहती है कि अब से तुमको यंग मास्टर का ख्याल रखना है और तुम्हारी नौकरी अब यही लगती है। उससे काफी गंदी बदबू आ रही होती है, लेकिन 3 सालों में उनके बेटे ने पहली बार किसी का नाम पुकारा है, इसलिए वो उसे नौकरी पर रख लेती हैं। आगे यहाँ हम देखते हैं कि दुवे को होश आता है और यहाँ उसकी जिंदगी का अब तक का पहला शब्द होता है कि इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। अब ये देख के वो उसकी माँ यहाँ इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो मैडी को 1000 सोने के सिक्के रिवॉर्ड में देती है। और यही कहानी वो ओल्ड मैन राजा को बता रहा होता है कि किस तरह से आपके बेटे ने पहली बार बात किया। अब आगे वो राजा अपने पैलेस पहुंचता है, जहां वो पहली बार अपने बेटे से मिलता है और यहां वो देखते ही समझ जाता है कि इसके बॉडी लैंग्वेज से ये किसी 3 साल के बच्चे जैसा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ दुवे उसे देख के सोच रहा होता है, तो यही मेरा बाप है जो 3 सालों में यहाँ पहली बार नजर आ रहा है। आगे राजा जैसे उसके हाथ को पकड़ता है, यहाँ दुवे उसके स्किल्स को भांप लेता है, जो कि एक नाइट वॉरियर के 3rd लेवल से ऊपर होता है। दूसरी तरफ उस किंग को भी ये एहसास हो जाता है कि ये बच्चा वाकई में काफी वीक है और इसका दिल काफी कमजोर है, जिसपे इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमारे लियो फैमिली के मार्शल आर्ट्स को आगे बढ़ा पाएगा। आगे वो किंग रेमंड ये डिसाइड करते हुए कि तुम में हमारे लियो फैमिली के कोई भी फाइटिंग एक्सपीरियंस इनहेरिट नहीं की है, लेकिन फिर भी मुझे इस पे कोई एतराज नहीं होगा कि अगर तुम एक डिसेंट मैजिशियन बन पाते हो तो। इसलिए वो राजा वहाँ पे एक मैजिशियन को बुलाता है ये पता लगाने के लिए कि क्या उनका बेटा एक मैजिशियन बन सकता है कि नहीं। अब आगे यहाँ पे उनका टेस्ट शुरू होता है, जहाँ पे एक मैजिशियन आता है तो दुवे से कह रहा होता है कि रोलैंड में उसने हजारों चिल्ड्रन को मैजिक सिखाया है और हर साल यहाँ मैजिक सीखने के लिए कई बच्चे आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही पास हो पाते हैं।
अब आगे वो मैजिशियन दुए के अंदर मैजिकल टैलेंट है कि नहीं इस बात को मेजर करने के लिए एक मैजिकल बॉल निकालता है, जिसके छूते ही यहाँ उसे पता चल जाएगा कि इस बच्चे में कितनी ज्यादा मैजिकल टैलेंट स्टैंडर्ड है। आगे वो मैजिशियन उसे कहता है कि इस क्रिस्टल बॉल पे हाथ रखो और अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इमोशन है उन्हें याद करो, क्योंकि किसी मैजिशियन के प्रिसीव से ही उसके थॉट्स को मैजिक एलिमेंट में बदल देते हैं और फिर उसके नेचुरल फोर्सेस से उसकी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है। जिसपे यहाँ दुवे उसे जवाब देता है कि सीधे सीधे कहो ना कि तुम किसी की मेंटल पावर को फिजिकल पावर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। जिसपे वो मैजिशियन ये सोचने लगता है कि ये लड़का तो वाकई काफी स्मार्ट है, तो आखिर सब लोग इसे मंद बुद्धि कैसे कहते हैं। आगे वो जैसे ही उस क्रिस्टल बॉल को टच करता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर जनरेट होती है और फिर हम दुवे को देखते हैं जो कि एक ऐसे नेचुरल फिनोमेना में चला जाता है जहाँ पे उसे मॉडर्न वर्ल्ड के साथ साथ एंशियंट वर्ल्ड भी साथ में दिखाई देते हैं और इसी 5 सेकंड्स के अंदर वो 1000 सेंचुरीज का गैप को पूरा कर लेता है और यहाँ पे एंशियंट एज मिडाइवल एज के साथ साथ वो आज के मॉडर्न वर्ल्ड को भी देख पाता है। अब मॉडर्न वर्ल्ड में वो अपने ही प्रतिरूप को देखता है और जैसे ही उसे पार करने की कोशिश करता है वो इनविजिबल वॉल वहाँ टूट जाती है। अब जैसे ही दुबई उस फिनोमिना से बाहर निकलता है वो मैजिशियन इसकी मेंटल स्ट्रेंथ जो कि ट्वाइस होती है किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन से वो उसे देख करके शॉक हो जाता है। अब यहाँ हमें दुबई से पता चलता है कि इसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है यहाँ पे दुगनी इसलिए है क्योंकि उसके पास 2 लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। इस पे दुए यहाँ उस मैजिशियन से पूछता है कि क्या वो अब मैजिक सीखने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इस वर्ल्ड में अब तक उसने जो इंटरेस्टिंग चीज पाई है वो मैजिक ही है। इस पे वो मैजिशियन उसकी फिर से मैजिक सेंसिटिविटी चेक करता है और आगे जाके उस राजा को बताता है कि आपके बेटे में कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं है जिससे वो मैजिशियन बन सकता है, लेकिन इसमें ऐसी अमेजिंग मेंटल पावर है जो आज तक मैंने किसी में नहीं देखा। अब यहाँ तो ये सोचने लगता है कि आखिर ये इस वर्ल्ड में ये लोग किस मैजिक एलिमेंट की बात करते हैं, क्या वो किसी तरह का यहाँ कोई एटम या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है और आखिर ये चीजें इस वर्ल्ड में यहाँ कैसे काम करती हैं। वो मैजिशियन राजा से ये कहते हुए वहाँ से गायब हो जाता है कि आपका बेटा हालांकि मैजिशियन तो नहीं बन सकता लेकिन वो पोशन बनाने के फील्ड में जरूर ट्राई कर सकता है। अब ये फील्ड ऐसा होता है जहाँ उसे मैजिशियंस के लिए अमृत तत्व और पोशन बनाने होते हैं। अब यहाँ पे राजा सोच रहा होता है कि आखिर उसके लड़के में ऐसा क्या है कि उस मैजिशियन ने अपने 26 साल के करियर में इस तरह का टैलेंट नहीं देखा, और तुम जैसा एक टैलेंटलेस इडियट क्या तुम वाकई में मेरे ही बेटे हो। अब आगे हम दुए को देखते हैं जो कि पोषण बनाने की कला सीखने लगता है और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और अब दुए काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन राजा अब भी उसे एक नकारा ही समझता है और इसलिए उसने अपने से दूर लुवे को एक ऐसे होम टाउन में भेज दिया है जहाँ पे उसे लियो फैमिली के खेतों की रखवाली करनी है। अब डुए यहाँ पे उनकी इस आज्ञा को भी मान लेता है और जाते हुए उसे अपने छोटा भाई दिखता है। वो उसे ये कहते हुए कि माँ का ख्याल रखना, वो अपने उसी होम टाउन के सफर पे निकल जाता है। अब जल्द ही अंधेरा होने वाला होता है इसलिए ये लोग एक जगह रेस्ट करने के लिए जुमो टाउन में उतरते हैं। अब ये टाउन डाकू और लिटोरो का होता है और जैसे ही वो एक शाही सवारी को आते देखते हैं वहाँ पे हम एक गैंग को देखते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो आज इनकी इस शाही सवारी को लूट के रहेंगे, क्योंकि जो राज के फैमिली के होते हैं वो काफी स्टूपिड और कायर होते हैं जिनके पास काफी गोल्ड कॉइन्स होते हैं और इन लोगों को लूटना काफी ज्यादा मालामाल कर देता है। बागे हम दुए को देखते हैं जो कि रात बिताने के लिए एक सराय में रुकता है जहाँ के लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे होते हैं। यहाँ उसके बारे में एक कमेंट भी पास करते हैं कि ये वो इसी लियो खानदान का यंग मास्टर है ना, जो काफी मंद बुद्धि है और उसके चलते इसके फादर ने इसे एक ऐसे होम टाउन में भेज दिया है खेतों की रखवाली करने। मैडी ये सुनते ही उन पे भड़कने लगता है जिसपे दुवे उसे शांत रहने को कहता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जिसके सुनहरे बाल होते हैं। और उसके आते ही हमारा ये जो एपिसोड होता है यही फिनिश होता है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि उनकी ये जर्नी काफी लंबी होती है और रास्ते में एक जगह वे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं जहाँ पे कुछ गैंग रॉबर्स इन्हें लूटने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। इस गैंग की मेन लीडर एक लड़की होती है जिसका नाम रॉलिन होता है। अब इसके ग्रुप में 2 और बंदे होते हैं और इनमें से जो गंजा होता है वो आते ही वहाँ पे सबको जाने के लिए कहता है, और दूसरा एक मैजिशियन होता है जो कि एक खास तरह के लीफ वाले सिल्वर बैच से पहचाना जाता है। अब यहाँ पे रॉलिन दुवे से कहती है कि तुम किसी रिच फैमिली के यंग मास्टर लग रहे हो, लेकिन तुम काफी अनलकी हो कि तुम्हारा सामना आज हमारी गैंग से हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास जितने भी गोल्ड कॉइन्स है हमारे हवाले कर दो अगर अपनी सलामती चाहते हो। अब यहाँ पे जो दुबे होता है वो गेस्चर तो करता है गोल्ड कॉइन्स
देने का, लेकिन वो उसके हाथ खाली होते हैं। आगे वो रॉलिन से कहता है कि तुम्हारे लेग्स काफी नाइस है और अगर तुम यहाँ पे कुछ डांस मूव दिखाती हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ सिल्वर कॉइंस दे दूं। अब इस पे रॉलिन यहाँ भड़क जाती है और उन पे यहाँ अटैक करती है। इसका सामना यहाँ दुबई के रॉयल गार्ड्स करते हैं और यहाँ इनसे फाइट करते हुए वो पहले उस लड़की को पकड़ने वाले होते हैं कि अब बारी आती है उस मैजिशियन की। वो अपने स्लोनेस की पावर का यूज करते ही उन सभी पे एक ऐसा स्पेल कास्ट करता है कि सारे के सारे स्लो मोशन में हो जाते हैं। इसलिए यहाँ दुबई अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर देता है कि अब इस मैजिशियन को कोई आगे मंत्र पढ़ने मत देना। जैसे ही वो सोल्जर्स उस मैजिशियन को पकड़ने जाते हैं, हम देखते हैं कि वो बिना मंत्र को रिसीट किए ही अपने फायर बॉल से उन पे अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ रॉलिन को कुछ सोल्जर्स ने बंदी बना लिया होता है और अब दुबई चुपके से उस मैजिशियन के करीब जाता है। मौका मिलते ही उसपे एक छोटे से वास से अटैक करता है जिसपे वो मैजिशियन यहाँ दुबे को पकड़ लेता है और इनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है कि तभी हम देखते हैं मैडी को वो मात्र एक लकड़ी से उसपे अटैक करता है और यहाँ वो मैजिशियन भी ढेर हो जाता है। अब यहाँ ये लोग उस मैजिशियन को बांध देते हैं और इनकी पूछताछ शुरू होती है। यहाँ वो मैजिशियन दुबे से कहता है कि अगर तुमने मेरे जैसे मैजिशियन के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें हमारा मैजिक गिल्ड कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिसपे आगे दुबई उसे कहता है कि अगर तुम मेरे कुछ सवालों का सही से जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पहला सवाल ये कि तुमने बिना कोई मंत्रों के जाप किए वो उस इंस्टेंट फायर बॉल को कैसे रिलीज किया। सो तुमने ये इंस्टेंट स्किल कहाँ से मास्टर किया, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ इस पूरे मेन लैंड में हाई लेवल के मैजिशियंस भी बिना कोई स्पेल को कास्ट किए ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उन फायरबॉल से अटैक करने का तुमने जरूर कुछ ऐसा अल्टरनेट इंस्टेंट कास्टिंग मेजर को फाइंड आउट किया है और मुझे इसी इंस्टेंट स्किल के बारे में जानना है कि तुमने ये कैसे किया। और मेरे कुछ बुरे इरादे नहीं है, मैं बस एक ऐसा लड़का हूँ जो काफी ज्यादा मैजिक में इंटरेस्टेड है, इसलिए तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे दो वरना मैं तुम्हारी इस लो लेवल के मैजिशियन बैच को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब यहाँ वो मैजिशियन मना कर देता है जिससे यहाँ दुबे एक सेकंड के अंदर ही उसके बैच को जला देता है। आगे वो इस पे नजर रखने को कहता है और अपने दूसरे कैदी की तरफ चला जाता है। अब वो होती है रॉलिन जो दुबे के आते ही सोचने लगती है कि आजकल के लड़के पता नहीं कैसी लड़कियों को पसंद करते हैं, तो क्या अगर मैं क्यूट बनने की एक्टिंग करूं या प्योर इनोसेंट लव जताऊं तो क्या ये मुझे जाने देगा। अब ये डिसाइड करके वो एकदम बहुत ही प्यारी आवाज में उसे कह रही होती है कि प्लीज मुझे जाने दो। यहाँ वो बेचारी लड़की बनने का टाइप चूज करती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि दुबे उसके आर्मर को गहराई से देख रहा होता है क्योंकि फाइट करने के दौरान उसके जो आर्मर्स थे उनमें कुछ स्पेल्स यानी रुइंस गढ़े हुए थे जो कि जैसे ही वो अटैक करती थी वो शाइन करने लगते थे। अब आगे दुबे उसके आर्मर को ले लेता है और गहराई से उसे देखने लगता है और वहीं जो रॉलिन होती है वो जोर जोर से खांस रही होती है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ अटेंशन कर सके। यहाँ दुबे उसे कहता है कि अगर तुम्हारा गला हर्ट कर रहा है तो थोड़ी देर शांत रहो क्योंकि मैं कुछ सीरियस थिंग्स करने वाला हूँ। यहाँ पे वो उसके ऊपर एक कपड़ा डालते हुए कहता है कि अगर मेरे सामने कोई हाफ नेकेड वुमेन बैठी हो इस तरह से तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और तुम्हारी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम मुझे जो सेड्यूस करना चाहती हो वो कभी नहीं होगा क्योंकि मैं तुम में नहीं बल्कि ये तुम्हारे मैजिकल वेपन्स है इसमें इंटरेस्टेड हूँ और मेरे इन वेपन्स के जांचने के दौरान तुम्हें काफी लंबा टाइम मिलेगा अपने दूसरे ट्रिक्स को सोचने का। जिसपे अब रॉलिन उसे कहती है कि तुम अगर मेरे वेपन्स में इतने ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो तुम उन्हें रख सकते हो, बदले में तुम्हें मुझे जाने देना होगा। जिसपे आगे वो यहाँ उसके मैजिकल वेपन्स की स्टडी करने लगता है जिसमें ऐसे पैटर्न ड्रॉ होते हैं जो कि मैजिकल होते हैं और इन्हीं पैटर्न की वजह से इन वेपन्स में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। उसी वेपन में वो एक बहुत ही एंशियंट फैमिली का लोगो देखता है जिसे वो उससे पूछता है कि तुम्हारा ये आर्मर तो काफी पुराना लगता है। आगे वो उसको शॉर्ट में देखता है कि एक मैजिक क्रिस्टल के गढ़े होने के साथ साथ उसमें विंड एट्रीब्यूट की भी पावर है क्योंकि एक मार्शल आर्ट ही सीखने वाला इसे रिलीज कर सकता है। आगे वो इन सबको देख के कहता है कि लेकिन ये दोनों ही वेपन्स तुम्हारे नहीं है क्योंकि तुम्हारे ये जो वेपन है ये बो एंड एरो है। ये बो एंड एरो कोई ऐसी वैसी वेपन नहीं बल्कि किसी डेमन को भी मार गिराए ऐसी ताकत इसमें है, लेकिन जिस तरह से तुम इसे यूज करती हो उसे साबित होता है कि तुम कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को छुपा रही हो, तो बताओ तुम कौन हो। जिस पे रॉलिन उसे कहती है कि मैं तो बस एक सीधी सादी बंदी हूँ, घूमती फिरती हूँ और खाती पीती हूँ बस। जिसमें यहाँ दुबे उसे कहता है कि तुम जैसा एक कॉमन पर्सन मेरे जैसे नोबल को इस तरह से सेड्यूस करे तो इसके लिए तो थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। अब आगे यहाँ वो उस पे ऐसा अटैक करता है जिससे उसकी सारी रस्सियाँ खुल जाती हैं और यहाँ दुबे ये रिवील करता है उसके वेपन्स पे इस तरह के जो पैटर्न्स बने हैं उससे और उसके शरीर का ये जो ढांचा है वो इंडीड मून फैमिली से बिलोंग करती है। क्योंकि मून फैमिली में काफी कम लोग ही बचे गए हैं इसलिए वो इसे एडवाइस करता है कि तुम अपना ख्याल रखना।
यहाँ वो उसे जाने की अनुमति भी दे देता है उसके वेपन्स के साथ, लेकिन वो कहता है कि मुझे मैजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं उस मैजिशियन को नहीं छोड़ूंगा, बाकी तुम अपने उस टकले के साथ जा सकती हो। अब यहाँ पे रॉलिन पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि आखिर उसे इसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता है। जिसमें यहाँ सीन कट होता है, हम अगले सीन में मैडी को देख रहे होते हैं जो उस मैजिशियन पे लगातार पानी उड़ेल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे दुबे ने उसे ऑर्डर दिया होता है कि जब तक इसकी मेंटल स्ट्रेंथ कम ना हो जाए, मतलब जब तक कि वो इस तरह के जादुई हरकत करना बंद ना कर दे, तुम इसके ऊपर पानी डालते रहो ताकि इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए। जिस पे वो मैजिशियन मैडी से कहता है कि तुम्हें एक मैजिशियन को इस तरह से सताने का बहुत ही बुरा पाप चढ़ेगा और गॉडेस इसके लिए तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। जिस पे मैडी उसे ये जवाब देता है कि गॉडेस के सजा देने से पहले कहीं मेरे यंग मास्टर ही मुझे ना मार डाले, तो मुझे तो भाई तुम्हें शांत करना ही होगा। अब आगे यहाँ सीन वापस से दुबे पे शिफ्ट होता है, जहाँ वो इसका कारण बताता है। बहुत साल पहले तुम्हारे इस मून फैमिली को रोलैंड कॉन्टिनेंट के लोगों ने डोमिनेट करने की कोशिश की इसी बोह नहरों के कारण, और मून फैमिली काफी ज्यादा रईस हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी हालत काफी खराब है। लेकिन आगे यहाँ दुबे उसे एक ऑफर देता है कि अगर तुम अपनी मून फैमिली को पुरानी ग्लोरी को वापस से रिस्टोर करना चाहती हो और एक हेल्पलेस गर्ल की तरह दर बदर की ठोकरें नहीं खाना चाहती अकेली ही, तो तुम्हें किसी ऐसे पेड़ की तलाश करनी चाहिए जहाँ पे तुम उसका सहारा ले सको। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो ट्री मुझ जैसा एक नोबल पर्सन हो सकता है जो तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानता है और तुम में नहीं बल्कि मैजिक में इंटरेस्टेड है। लेकिन हम देखते हैं कि रॉलिंग वहाँ बिना जवाब दिए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। रात भर वो बैठ करके इस बारे में सोचती है, और हम यहाँ अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे वो अपने टकले बंदे के साथ कहीं जा रही होती है, और लास्टली हमें पता चलता है कि वो यहाँ दुबे की ही ऑफर को मानने के लिए आई थी। आगे वो यहाँ दुबे से कहती है कि मैंने एक ऐसे नोबल मैन आदमी के बारे में सुना है जो कि अपनी टीम में मेरे जैसे वॉरियर नाइट्स को रिक्रूट कर रहा है। जिसपे यहाँ दुबे उसे कहता है कि मैं अपनी टीम में सिर्फ 10 ही वॉरियर को रिक्रूट कर सकता हूँ। अब ये सुनते ही जो रॉलिन होती है वहाँ पे शपथ ले लेती है कि वो आने वाली जिंदगी में उसके साथ पूरी वफादार रहेगी, और आज के बाद से उसकी नई लाइफ शुरू होती है, क्योंकि वाकई में उसे एक पेड़ की जरूरत है जहाँ पे वो अपने आप को सहारा दे सके। उसे यकीन है कि ये जो दुबे है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इसकी डेस्टिनी में एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बनना लिखा है जो कि आगे जाकर के फ्यूचर में जरूर ही कुछ ऐसा कारनामा करेगा जिसके बारे में हिस्ट्री लिखी जाएगी। अब आगे दुबे उसे अपना सबऑर्डिनेट बनाते हुए उसे ये ऑनर भी देता है कि वो अपनी इस अलायंस में सबसे फर्स्ट ऑनररी नाइट का उसे खिताब देगा। जिसपे अब रॉलिन उसे यहाँ उसकी आइडेंटिटी पूछती है, जिसपे दुबे उसे बताता है कि मैं इस कॉन्टिनेंट के रेमंड किंग का एल्डेस्ट सन हूँ, या तो तुम मुझे इस पूरे अम्पायर का वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकती हो, और साथ ही यहाँ पे मेरा एक और निक नेम भी है जिससे मैं पूरे इस अम्पायर में जाना जाता हूँ, और वो है एक इडियट और मंद बुद्धि। अब ये सुन के यहाँ रॉलिंग हो जाती है शॉक, और हमारे इस एपिसोड का यही होता है लॉक। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अब दुबे ने अपने सबॉर्डिनेट में पावलिन को भी शामिल कर लिया होता है, जो कि इस जर्नी में सबसे पहले एज अ गैंग लीडर उन पर हमला करने आई थी ताकि वो उन्हें लूट सके। यहाँ सिचुएशन पूरी तरह से उलट हो जाती है, क्योंकि दुबे को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता थी। बागी हम देखते हैं कि वे एक लंबा रास्ता तय करते हुए अपने होम टाउन यानी कि उस कासल में पहुंच चुके होते हैं, जहां इनका स्वागत वहां के बटलर करते हैं। आगे वो बटलर दुबे को यहां उसके राजघराने के बारे में बताता है। लियो फैमिली के जो 7 जनरेशन के ड्यूक होते हैं, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एस्ट्रोलॉजी टावर बनाया था, और आपकी फैमिली के ट्रेडिशन के अनुसार जबकि आप हमारे अभी के किंग के एल्डेस्ट सन हैं, तो आपको इसी कास्टल के ही स्टडी रूम में अपनी पहली रात गुजारनी होगी। अब ये बटलर इसी बात को इतना जोर देके कह रहा होता है कि दुबे यहाँ समझ जाता है कि जरूर उस स्टडी रूम में कुछ न कुछ ऐसा है जो ये चाहता है कि मुझे पता चले। ये वे लोग स्टडी रूम में जाते हैं, जहाँ वे बटलर बताता है कि किंग ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि यहाँ पर दुबे को इस जगह के पूरे अकाउंट्स को चेक करना होगा, वो भी आज से ही। अब ये सुनते ही दुबे वहाँ की अकाउंट बुक्स मंगवाता है, जो कि इतनी ज्यादा होती है पूरी टेबल वहाँ भर जाती है। इवन के उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो अब और भी अकाउंट्स बुक्स ला ही रहे होते हैं। उनमें से एक अकाउंट बुक यहाँ जब दुबे पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि ये लोग कितने करप्ट है, किस तरह से इन्होंने टैक्सेस की चोरी की है ताकि आम जनता को परेशान करे। और वो दिन अब दूर नहीं होगा कि जनता इनके खिलाफ उठ खड़ी होगी, इन्हें सत्ता से गिरा देगी। इस बात में कहीं ना कहीं वो बटलर भी शामिल होता है, क्योंकि उसने भी उन टैक्सेस का पैसा खाया होता है। अब वो किसी तरह का बहाना बना के वहाँ से चला जाता है, और आगे हम दुबे को देखते हैं जो कि अकाउंट्स बुक्स पढ़ते पढ़ते उसे आधी रात गुजर जाती है।
अब जैसी आधी रात गुजरती है उसे वहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कि कोई उसे पीछे से देख रहा हो। कि तभी हमारी नजर उन पेंटिंग्स पे पड़ती है। वो पेंटिंग वाकई में यहाँ दुबे को देख रही होती हैं। दुबे यहाँ साफ साफ उनसे कह देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जिस तरह से देख रहे हो, मैं भी तुम्हें वैसे ही देख रहा हूँ। अब यहाँ हम दुबे के हाथों में उस चम्मच को देखते हैं, जिसमें वो देख रहा होता है कि वो पेंटिंग दुबे को देख रही है। यहाँ वो उसे कहता है कि तुम ये दिखावा मत करो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, और जल्द से जल्द बता दो कि तुम कौन हो, क्योंकि जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ। यहाँ वो पेंटिंग कुछ भी हरकत नहीं करती, जिसपे यहाँ दुबे उस पेंटिंग के पास चला जाता है। जैसे ही जलाने की उसे धमकी देता है, ये कहते हुए कि मुझे सख्त नफरत है कि मैं अपने ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करूं। अब वो पेंटिंग उसे इशारा करते हुए ऐसा ना करने को कहती है, और यहाँ दुबे समझ जाता है कि ये बात नहीं कर सकता। कि तभी वहाँ पे घड़ी में 12 बजते हैं। जैसे ही वहाँ पे वो बड़ा सा क्लॉक बजना शुरू होता है, ये पेंटिंग बोलने लगती है। यहाँ पे वो जल्दी जल्दी बोल रही थी, कहते हुए कि मैं सिर्फ एक मैजिकल क्रिएचर हूँ और मेरे पास तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं है समझाने का, सो मेरी बात ध्यान से सुनो। और मैं बस इस सकता हूँ। यहाँ इस स्टडी रूम में एक ऐसा सीक्रेट कमरा है जिसमें ऐसे कई ट्रेजर्स रखे हुए हैं जो इस स्पेल को तोड़ सकते हैं, जिनमें हम सभी ट्रैप हैं। तो अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो उस बुक शेल्फ में दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, जो तुम्हें उसी सीक्रेट रूम में ले जाएंगी। अब इतना कहते ही 12 की 12 घंटियां बज जाती हैं और वो फिर से साइलेंट मोड में आ जाता है। अब दुबे यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ रिलेटेड था मैजिक से, और यहाँ हम जानते हैं कि दुबे कितना ही मैजिक सीखने के लिए ऑब्सेस्ड है। जैसे ही वो 7 नंबर के बुक शेल्फ पे जाता है, वहाँ पे उसे एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ मिलता है, जिसे यहाँ सुलझाते हुए वो जैसे ही एक बुक को वहाँ पे निकालता है, वहाँ पे एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। इसके अंदर जाते ही वहाँ पे उसे एक ट्रेडिशनल डोर मिलती है, इसमें कुछ अजीब तरह के लॉक पैटर्न्स बने हुए थे, और यहाँ पे दुबे उन्हें समझने की कोशिश करता है। जैसे ही वो तिजोरी नामक डोर को यहाँ पर प्रेस करता है, हम देखते हैं वहाँ से पिघलता हुआ लावा निकलता है। ये लावा दुबे पे गिरने वाला होता है कि यहाँ ऐन मौके पर वो अपने आप को बचा लेता है। जैसे ही वो लावा ठंडा होता है, यहाँ वो समझ जाता है कि ये किसी किस्म का ट्रैप है, तो यहाँ उसे इस डोर को ओपन करने से पहले इसकी पहेली को सुलझाना होगा। अब यहाँ काफी सोच विचारे के बाद उसे समझ में आता है कि प्रकृति में जिस तरह सबसे पहले आसमान होता है, उसके बाद वायु, धरती और जल, ये इसी पैटर्न में है। सबसे पहले उसे आकाश के सिंबल पे क्लिक करना होता है, लेकिन यहाँ वो अपने आप को बहुत छोटा पाता है। यहाँ वो अपने आप से कह रहा होता है कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ के उन बड़ी बड़ी टांगों को मिस करता हूँ जहाँ मैं लंबा हुआ करता था। लेकिन यहाँ फिर दुबे एक तिगड़म लगाता है कि वो अपने शॉर्ट को जमीन में इंसर्ट कर देता है, और उस पे चढ़ते हुए उस सबसे पहले वाले इंडिकेटर पे क्लिक करता है। अब जैसे वो उसे क्लिक करता है, यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर वो उसने गलत इंडिकेटर पे क्लिक कर दिया तो उसकी यहाँ मौत पक्की है। अब यहाँ उसे पता चलता है कि उसने इस लेवल को भी पास कर लिया है, क्योंकि उसने सही इंडिकेटर पे क्लिक किया था। सारे इंडिकेटर आपस में लिंक होते हैं और वो बड़ा सा जो राउंड शेप का मैकेनिज्म होता है वो वहाँ घूमने लगता है। लेकिन हम तभी देखते हैं जहाँ पे दुबे खड़ा होता है वहीं की जमीन स्लाइड होते हुए खिसक जाती है, और वो एक टनल के होते हुए उसे सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है। यहाँ दुबे जोर से चिल्ला रहा होता है गिरते हुए कि आखिर उस डोर को किसने डिजाइन किया, जिसके फ्रंट में ही एक ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ था दिखावे के लिए, और वो कोई असली डोर नहीं होता है बल्कि एक फेक डोर होता है। असली टेस्ट तो ये था कि जैसे ही कोई उसके पजल को सॉल्व करके उस इंडिकेटर पे क्लिक करेगा, जहाँ वो खड़ा होता है वहीं पे असली डोर होता है जो उसे उस सीक्रेट रूम में ले जाएगी। अब उस सीक्रेट रूम के सेंटर में उसे एक अजीब सी चीज मिलती है, जिसमें कई इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, और जैसे ही दुबे इस भाषा को पढ़ता है, उसे यहाँ पे ज्ञात होता है कि सिर्फ लियो फैमिली का ब्लड ही तुम्हें गाइड कर सकता है उस सभी चीजों को पाने के लिए जो मैंने अपने पीछे यहाँ पे छोड़ा है। लेकिन अगर तुम में वाकई में करेज और साहस है तो ही तुम इस फॉरबिडन रियल्म को ओपन करना। इसके ओपन होते ही मैनकाइंड रियल्म में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते। अब यहाँ दुबे के अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी जाग जाती है जिससे उसे डर भी लग रहा होता है कि क्या ये उस फॉरबिडन रियल्म को ओपन कर देगा। इसके बारे में चर्चा की जाती है कि वहाँ पे आज तक कोई नहीं गया है और क्या उसे ये रिस्क लेना चाहिए। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि हालांकि ये उसकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग वर्ल्ड है, जिसके रहस्यों को अभी भी उजागर करना उसके लिए बाकी है, लेकिन जब से वो यहाँ पे टाइम ट्रैवल करते हुए आया है, उसने पहली बार इस तरीके की कुछ चीज को देखा है जो इसे कहीं न कहीं ये एहसास दिला रहा है कि जरूर इसमें कुछ ऐसे ग्रेट पावर्स छुपे हैं जिन्हें दुबे को हासिल करना चाहिए।
सो गाइस, अब उसकी इसी कशमकश के दौरान हमारा ये एपिसोड का पार्ट यहीं फिनिश होता है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, पहुंच चुका होता है जहाँ उसे बीचों बीच एक अजीब सा स्टोन दिखता है। अब उसके इंस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि सिर्फ लियो फैमिली के ब्लड का खून ही तुम्हें गाइड कर सकता है उन सभी चीजों को पाने के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है, लेकिन साथ में एक वार्निंग भी रहती है कि याद रहे ये तुम्हें फॉरबिडन रियल्म में ले जाएगा। अब यहाँ दुबे को लगता है कि उस रियल्म में जाना मिन्स की ग्रेट पावर को इनहेंस करना, इसीलिए वो अपने ब्लड के ड्रॉप्स को उस इंस्क्रिप्शन में जैसे ही डालता है वो स्टोन क्रैक हो जाता है और उसके अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकलता है। अब वहाँ पे हमें एक स्प्रिट नजर आती है जो कि दुबे से कहती है कि वो उसकी एंसिस्टर है जो कि अपने हस्बैंड के प्रेम की वजह से इस लियो फैमिली में आई थी। यहाँ वो बताती है कि वो लियो फैमिली के जो 7th जनरेशन का ड्यूक होता है वो उसकी वाइफ होती है, उसका नाम शैमिल है और अपने मरने से पहले उसने लास्ट ये मैजिक मैसेज छोड़ा था। अब यहाँ शैमिल का नाम सुनते ही दुबे को ये याद आता है कि ये पिछले 200 सालों में उसके एम्पायर की पहली ग्रेटेस्ट फीमेल एस्ट्रोलॉजर है। आगे यहाँ शैमिल उसे कंटिन्यू करते हुए बताती है कि एस्ट्रोलॉजी को सभी प्रेडिक्शन के लिए ही यूज करते थे, ये देखने के लिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन वो गलत थे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक काइंड ऑफ मैजिक होता है जिसे हम स्टार्स ऑफ मैजिक कहते हैं और ये स्टार मैजिक उतना ही पावरफुल और प्रोफाउंड था जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। और मेरे मरने के 6 साल पहले जब मैंने आसमान में सितारों में एक अजीब से स्ट्रेंज चेंज को देखा तो वहाँ पे वो सितारे अजीब तरीके से गिर रहे होते हैं। मुझे पूरे 3 साल लगे ये डिस्कवर करने में कि वो सितारे ट्रैवल होके कहाँ जाते हैं और ट्रैवल करके वो नॉर्थ ईस्ट के टिप कॉन्टिनेंट में गए जहाँ फाइनली मैंने एक गिरते हुए सितारे के एक टुकड़े को हासिल किया जो कि मात्र एक स्टोन की तरह दिख रहा था और जहाँ वो गिरा था वो जमीन पूरी राख और बंजर हो गई, वहाँ वैलीज क्रिएट हो गई और इस तरह के डिस्ट्रक्टिव पावर को देख के मैं ये समझ गई कि ये कोई आम मैजिक नहीं बल्कि एक फॉरबिडन स्पेल है। आगे वो कंटिन्यू करते हुए बताती है कि टेम्पल्स ने हमें बताया था कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी गॉड ने क्रिएट की हैं, इसमें सितारे भी शामिल थे, लेकिन मैंने ये डिस्कवर किया कि ये जो स्टार है इसका स्ट्रक्चर काफी अलग है और अनप्रिडिक्टेबल है जो कि हमारे इस वर्ल्ड का था ही नहीं। इसी बात ने शामिल को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि वाकई में गॉड्स ने ही सितारों को बनाया था, जिसके कारण गॉड का अस्तित्व है कि नहीं इस पे उसे डॉट होना शुरू हो गया था। ये सुनते ही दुबे यहाँ कहता है कि ये एंसेस्टर तो काफी ज्यादा कूल हैं, क्योंकि एक मीट्रोइड से ही इन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस पे ये सवाल करने की हिम्मत कर ली कि उनका अस्तित्व है कि नहीं, और कहीं ना कहीं ये उसके साइंटिफिक फैक्ट से काफी क्लोज है कि जो साइंस है वो नेचर्स के बहुत सारे फिनोमिना में फिट नहीं बैठता है। और यही शक दुबे को भी हो रहा था क्योंकि वो भी तो मॉडर्न वर्ल्ड से ही आया था टाइम ट्रैवल के थ्रू और वहाँ उसके वर्ल्ड में सारी चीजें सिर्फ साइंटिफिक ही हैं। अब आगे यहाँ शामिल ये खुलासा करती है कि दूसरों को धोखा देने के लिए कि उन्हें मेरी एग्जिस्टेंस का पता ना चले मैंने अपने आप को उस ऑयल पेंटिंग में ट्रांसमिट कर लिया है जो कि उस स्टडी रूम में है। अपनी छवि को छुपाने के लिए मैंने उसके अंदर मैजिकल क्रिएटर्स को बनाया है, इसके अंदर मेरे अब तक की सारी स्टार मैजिक मैंने उसमें रखी है। आगे वहाँ पे वो कुछ लिखते हुए कहती है कि इस मंत्र को याद रख लो, ये तुम्हें उस ऑयल पेंटिंग को अनलॉक करने में मदद करेगा और जैसे ही तुम उसे अनलॉक करोगे वो तुम्हारी हर कंडीशन को मानेगा। अब ये कहते हुए वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। अब पहले तो जो दुबे होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि जिस चीज की उसे तलाश थी यानी मैजिक वो उसे मिल चुका होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसमें तो रत्ती भर का भी मैजिकल टैलेंट है ही नहीं। आगे वो स्टडी रूम में इसी के बारे में सोच रहा होता है कि उसे सील को अनलॉक करने का तरीका भी पता है और उसे वो मंत्र भी याद है और वो उस पेंटिंग की तरफ देख के कह रहा होता है कि ये स्पेल ना बहुत ज्यादा छोटा है, काफी आसान है। और दूसरी तरफ हम उस पेंटिंग के क्रिएचर को देखते हैं जो खुशी के मारे नाच रहा होता है कि अब थोड़ी देर में वो बाहर निकल आएगा कि तभी दुबे उसे कहता है कि लेकिन मुझे मैजिक तो आता ही नहीं। और तभी हम उस ऑयल पेंटिंग को देखते हैं कि वो काफी फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से निकलने की उसे अपील कर रहा होता है। अचानक यहाँ दुबे को ये याद आता है कि उसके पास तो एक मैजिशियन भी है जिसे उसने अपने कब्जे में कैप्चर करके रखा है। अब आगे वो उसी मैजिशियन के पास उस कॉल कोठरी में जाता है जहाँ पे रॉलिन उसे कह रही होती है कि उस मैजिशियन को छोड़ दो, जिसमे यहाँ दुबे उसे कहता है कि बस वो मेरे कुछ चंद सवालों का जवाब दे दे मैं उसे जाने दूंगा। अब आगे दुबे वहाँ उसे पहुँचते ही कहता है कि तो क्या अब तुम तैयार हो अपने उस लिटिल सीक्रेट को मुझे बताने के लिए। अब ये सीक्रेट ये होता है कि वो एक लो लेवल का मैजिशियन होता है, फिर भी उसने कुछ ऐसा डिस्कवर किया होता है जिससे वो बिना किसी स्पेल को कास्ट किए हुए एक इंस्टेंट फायर बॉल को जनरेट कर सकता था। और यहाँ दुबे उसे वही फॉर्मूला मांग रहा होता है जिसपे वो मैजिशियन उससे कहता है
कि तुम्हारा इतना बड़ा राजघराने वाला स्टेटस है, फिर भी तुम एक मैजिशियन को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, और ये बात अगर बाहर फैल गई तो मेरा जो मैजिशियन गिल्ड है वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी लियो फैमिली को भी, जो कि अपने आप को राजघराने का बताते हैं, उसे नहीं छोड़ेंगे, और फिर कोई भी मैजिशियन तुम्हारी फैमिली का कभी साथ नहीं देगा। जिसपे दुवे उसे कहता है कि अगर उन्हें इस बात का पता चल गया कि तुम जैसा लो लेवल का मैजिशियन ने एक टॉप इंस्टेंट टेक्निक को मास्टर किया है, तो फिर अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो इसके क्या परिणाम होंगे तुम जानते हो, सारे के सारे मैजिशियन तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और इस पूरे कॉन्टिनेंट में तुम उनके लिए सबसे बड़ा शिकार बन जाओगे। सो जल्द से अपने उस इंस्टेंट टेक्निक को मुझे बता दो अगर तुम पूरी जिंदगी मेरे इस कैद खाने में नहीं रहना चाहते, और वैसे भी तुम जैसे लो लेवल के मैजिशियन को तुम्हारी जो सो कॉल्ड सोसाइटी है वो कभी भी ढूंढने नहीं निकलेगी। जिसपे वो मैजिशियन अब यहाँ पे कुछ हिचकिचाते हुए उससे पूछता है इसमें मेरा क्या फायदा होगा, जिसपे दुबे उसे कहता है कि तुम अभी इस सिचुएशन में अपना फायदा ढूंढ रहे हो और अगर इसमें तुम्हारी जान बच जाए यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब ये कहते हुए वो चाबुक को तो उठाता है उसे बीट करने के लिए, लेकिन वो उसे यहाँ हिट नहीं करता और वो मैजिशियन चिल्लाते हुए उसे कह रहा होता है मेरी जो लो लेवल की भी क्वालिफिकेशन थी ना एक मैजिशियन की, तुमने तो उस ब्रोच को भी जला दिया। जिसपे दुबे उसे कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम फिर से वो मैजिक एग्जाम दे देना। अब यहाँ वो मैजिशियन अपना मुंह खोलता है कि वो एक लो लेवल का मैजिशियन होने के कारण नेचर के सभी मैजिकल एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जो कि एक फार्मिस्ट मेथड है, मींस कि वो किसी तरह के पोशंस का यूज करके मैजिकल एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ उसकी परसेप्शन काफी पुअर होती है, इसलिए वो इन ट्यूब्स में रखे हुए पाउडर का यूज करता है ताकि वो अपने मैजिक एलिमेंट की पावर को इंक्रीज कर सके, और इस चीज को डिस्कवर करने के लिए उसे पूरे 20 साल लगे, तभी वो फाइनली आज मैजिक को यूज कर पाता है। हालांकि ये अभी एक लोएस्ट लेवल की ही फायर बॉल टेक्निक है, लेकिन अगर वो इसी तरह से अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखे तो आगे वो और भी एडवांस लेवल के फायर मैजिक को इंटेंसली रिलीज कर सकता है। अब यहाँ दुबे समझ जाता है कि ये मैजिशियन तो वाकई में एक जीनियस है जिसने साइंस का यूज अपने थोड़े बहुत मैजिक में कर लिया है। अब यहाँ दुबे उसे पूछ रहा होता है कि इस चीज को आखिर यूज कैसे करते हैं, जिसपे वो मैजिशियन उसे कहता है कि बस इसमें अपनी थोड़ी सी मेंटल एनर्जी को डालना है, लेकिन याद रखना बस थोड़ी सी ही डालना। अब हम यहाँ दुबे को देखते हैं जो कि उस ट्यूब में रखे फायर एलिमेंट को गहराई से देख रहा होता है, क्योंकि एक बीस्ट की तरह क्रेव कर रही होती है कि तभी जो दुबे होता है अपने मेंटल एनर्जी को उसमें डाल लेता है जो कि एज अ फूड उसके लिए काम करती है। अब यहाँ वो मैजिशियन उसे कह रहा होता है कि तुमने इसमें ज्यादा मेंटल एनर्जी को नहीं पुट करना है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि दुबे कुछ ज्यादा ही मैजिक से ऑब्सेस्ड होता है। यहाँ वो अपनी ट्विन लैब्स की जितनी भी स्पिरिचुअल पावर होती है वो उस फायर एलिमेंट के साथ फील करने लगता है, जिसके कारण उसमें वो इतनी ज्यादा मेंटल एनर्जी पुट कर देता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इस ब्लास्ट की आवाज सुनते ही रॉलिंग वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ देखती है दुबे को जो कि पूरी तरह से राख के निशान उस पे लग चुके थे और वो पागलों की तरह यहाँ पे हंस रहा था। अब वो यहाँ चिल्लाना शुरू कर देता है ये कहते हुए कि उसने सक्सेसफुली एक फायर बॉल को जनरेट किया है। आगे यहाँ दुबे उसे कहता है कि अरे मैं इस एक्साइटमेंट में किसी चीज को तो भूल नहीं रहा हूँ, जिसपे रोलिंग उसे कहती है कि तुम हमारे मैजिशियन सॉल्टा को भूल गए। वो मैजिशियन सॉल्टा जिसकी बुरी हालत हो चुकी होती है उस फायर बॉल के ब्लास्ट होने से, वो उसे खींचते हुए लाता और उससे कहता है कि तुम इससे मिलो, आज से ये मेरा पर्सनल मैजिक कंसल्टेंट है। और ये सॉल्टा तो एक जीनियस मैजिशियन है, जिसे यहाँ पे ये लोग समझ नहीं पाते कि आखिर दुबे यहाँ पे क्या कहना चाहता है। जिसपे दुबे यहाँ सॉल्टा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक ऐसी ग्रेट मैजिशियन की लाइफ चाहते हो जहाँ पे तुम्हें एक रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट दिया जाए, और यही रिस्पेक्ट तुम पा सकते हो अगर तुम मेरे पर्सनल मैजिक कंसल्टेंट बन जाओ तो। जिसपे सॉल्टा यहाँ और दुबे की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता और उसे कहता है कि लेकिन मुझे साउथ की तरफ जाना होगा क्योंकि मेरी लेबोरेटरी वहीं पे है। जिसमें यहाँ दुबे सभी को ऑर्डर देता है कि अब सारे लोग तैयार हो जाए क्योंकि अब हम सभी मिल करके साउथ की तरफ जाएंगे। तो उसकी इसी ऑर्डर के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है में देखा था दुबे ने अपनी टीम में उस मैजिशियन जिसका नाम सॉल्टा होता है उसे भी अब शामिल कर लिया था। अब उस मैजिशियन सॉल्टा ने जिस इंस्टेंट फॉर्मूला का डिस्कवर किया था जिसके यूज से वो तुरंत ही फायर बॉल्स को जनरेट कर सकता था, अब इस फॉर्मूला को हिलाने के लिए उसे अपनी लेबोरेटरी जानी होती है जो कि वेस्ट की तरफ होता है, जहां दुबे भी उसके साथ अपनी पूरी टीम को लेकर के वेस्ट की ओर चला जाता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि उनकी ये जो जर्नी होती है वो बंजाओ सिटी के एक बहुत बड़े गेट के सामने रुकती है जहां पे बहुत बड़ी सेना पहरा दे रही होती है और ये इनका रास्ता रोकती है।
अब इस पे यहाँ जो दुबे के सिपाही होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो रेमंड किंग के एल्डेस्ट सन दुबे यंग मास्टर का, मेरा नाम रॉबर्ट है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इस राजघराने की सवारी को रोकने की। जिस पे वो माफी मांगता है ये कहते हुए कि इस बड़े से गेट पे पहरा लगाने का ये रीजन है कि इस बंजाओ माउंटेन में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को अपेयर होता देखा गया है और उसी मॉन्स्टर से डील करने के लिए हमारे सिटी के सारे इंपीरियल मिलिट्री गार्ड्स जो हैं उस माउंटेन पे जा चुके हैं और हमारे पास अभी सोल्जर्स की काफी कमी है, इसीलिए हम इस गेट पे पहरा दे रहे हैं ताकि आने वाले लोगों को हम अपने इस मिलिट्री में रिक्रूट कर सके। लेकिन ये रिक्रूट वर्ड ही कहते कहते रुक जाता है क्योंकि आखिर वो कैसे किसी नोबल घराने को अपने मिलिट्री में भर्ती कर सकता था। अब यहाँ मॉन्स्टर का नाम सुनते ही दुबे चौंक जाता है और वो उनकी हेल्प करने की डिसाइड करता है। आगे जो दुबे होता है वो मैडी और बाकी के सर्वेंट्स को वहीं रुकने का आदेश देता है और बाकी सोल्जर्स को लेकर के उस माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दुबे को वो सारे सोल्जर्स एक झुंड बना के प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जिससे दुबे काफी इरिटेट हो जाता है। अब उस माउंटेन में वहाँ अजीब सी हलचल होने लगती है, लगातार एक स्प्लैश के कारण वहाँ जो पास एक पेड़ होता है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है जिससे वो सभी घबरा जाते हैं और फिर दुबे को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। यहाँ दुबे उनसे पूछता है कि रॉबर्ट क्या तुमने कोई मॉन्स्टर हंट किया है, जिस पर रॉबर्ट उन्हें बताता है कि एक बार साउथ की तरफ उसे एक ऐसे ग्रुप के साथ इनकाउंटर हुआ था जो कि ग्रिफन्स होते हैं। अब ये ग्रिफन्स वही होते हैं जिनके सर तो ईगल के होते हैं लेकिन पूरी बॉडी लायन की होती है। आगे वो अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि ये ग्रिफन्स जो होते हैं वो ग्रुप में हमला करते हैं और उनसे फाइट करते हुए मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और एक फैमिली टीम ने मुझे रेस्क्यू किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस फाइट में मैंने अपने भाई को खो दिया। जिस पे रॉलिन उन्हें बताती है कि मेरी जानकारी के हिसाब से इस तरह के जो ग्रिफन्स होते हैं वो अपनी मैजिकल पावर को फिर से पूर्ति करने के लिए और ये वारक्राफ्ट वाले जितने भी क्रिएचर्स होते हैं उन्हीं एरियाज के इर्द गिर्द भटकते रहते हैं जहाँ मैजिकल प्लांट्स होते हैं या तो फिर उन कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे स्पेशल मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ इस बंजाओ माउंटेन पे जहाँ पे सिर्फ लकड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, आखिर कोई मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे अपेयर हो सकता है। जिसपे यहाँ दुबे से पूछता है क्या तुम इन मैजिकल क्रिएचर्स के वर्ल्ड के बारे में जानती हो, जिसके जवाब में वो बताती है कि वो कई बार उस फ्रोजन माउंटेन्स में गई है जब भी कोई वो अलग मैजिकल ग्रुप्स को ज्वाइन करती थी और उनके साथ मिलकर उसने कई बार इन मॉन्स्टर्स को हंट किया है। जिसपे यहाँ रॉबर्ट उनसे कहता है कि मैंने बस एक ही बार उन मॉन्स्टर्स को हंट किया है, इसीलिए मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए मुझे उन मॉन्स्टर्स की हैबिट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि रॉलिंग यहाँ जो कह रही है वो सही है और हमें आगे और सावधानी बरतनी चाहिए। जिसपे वो जो सोल्जर्स होते हैं यहाँ रॉलिंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये देखो अपने स्किल्स के बारे में बात कर रही है, क्योंकि उन फ्रोजन फॉरेस्ट में तो हम भी हजारों दफा गए हैं, हमें तो कोई मॉन्स्टर वहाँ दिखा नहीं, जरूर इसने अपनी लंबी लंबी टांगों के साथ डांस किया होगा तभी ये लोग उससे अट्रैक्ट हुए होंगे। यहाँ ये लोग इसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं ये कहते हुए कि बड़ी आई जानने वाली वॉरक्राफ्ट के क्रिएचर्स के बारे में। जिसपे यहाँ रॉलिन को काफी बुरा लगता है तो आगे जो दुबे होता है उन सभी को चुप कराता है ये कहते हुए कि यहाँ पे खड़े खड़े बात करते रहे तो मॉन्स्टर हमें जरूर कैच कर लेगा। तो आगे चल के देखते हैं कि ऐसा कोई मॉन्स्टर होता भी है कि नहीं। अब आगे उस जंगल में काफी देर भटकने के बाद वो उस माउंटेन के क्लिफ पे पहुंचते हैं जहाँ वो गुस्से से गंजा कह रहा होता है कि सुबह से दोपहर हो गई हमें एक भी मॉन्स्टर तो क्या उसकी पाद तक हमें नहीं सुनाई दी, कि तभी हमें वहाँ एक खोखले पेड़ के अंदर से कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। पहले दुबे तो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वो देखता है कि रॉलिन यहाँ आसपास नहीं है, इसीलिए वो उसे ढूंढने चला जाता है। यहाँ रॉलिन को काफी बुरा लग रहा होता है इसलिए वो एक जगह चुपचाप बैठी हुई होती है। तभी उसके पास दुबे आता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है कि मैं मून ग्लैंड के पीपल को जानता है, उनमें काफी टैलेंट होता है और अगर तुम कह रही हो कि तुम काफी सारे मॉन्स्टर्स को इनकाउंटर कर चुकी हो तो मुझे तुम्हारी इस बात पे यकीन है, और रही बात उनकी तो तुम इनकी बातों को दिल पे मत लो क्योंकि वे लोग मुझे भी यहाँ पे मंद बुद्धि समझते हैं और मेरी टीम में तुम पहली ऑनरेबल फीमेल नाइट हो, इसलिए तुम्हें ऐसा हार्ड वर्क करना होगा ताकि उन सब की बोलती बंद हो जाए। जिस पे रॉलिंग उसे कहती है कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तभी अचानक उन्हें एक मॉन्स्टर के हॉल की आवाज सुनाई देती है। अब ये लोग सतर्क हो जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वाकई में एक डेमन फॉक्स ने उन पे हमला किया है। यहाँ उन सोल्जर के साथ उस डेमन फॉक्स की फाइट होती है और सारे मिल करके उसे हरा देते हैं और जैसे ही रॉबर्ट अपने शॉट से उस पे अटैक करता है हम देखते हैं कि वो अब मारा जा चुका है और जैसे वो इसकी लाश का जायजा लेने जाते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ पे डिसअपीयर हो जाता है। जिस पे रॉलिन उन्हें बताती है कि जब एक वारक्राफ्ट वाला क्रिएचर इस तरह से डाई होता है तो उसकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता क्योंकि ये इस तरह की चीज ये लोग पहली बार देख रहे होते हैं।
कि तभी उन्हें फिर से एक अजीब सी हलचल सुनाई देती है। वे लोग तुरंत ही दुबे को प्रोटेक्ट करते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे एक ग्रिफन दिखता है जो उनकी तरफ अटैक करने को बढ़ रहा होता है। उसे देखते ही रॉबर्ट यहाँ समझ जाता है कि इस ग्रिफन का साउंड को तो मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि देखते ही देखते वहाँ पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में वहाँ ग्रिफन्स आ जाते हैं। अब ये लोग झुंड में शिकार करते हैं और वो ये खून के प्यासे होते हैं। जैसे ही वो नीचे इन पे अटैक करने आते हैं, रॉबर्ट यहाँ बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। लेकिन यहाँ इन ग्रिफिन्स की तादाद काफी ज्यादा होती है जिससे ये लगातार इन पे अटैक्स कर रहे होते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये भी एक वॉरक्राफ्ट क्रिएचर है क्योंकि ये मरने के बाद तुरंत ही डिसअपीयर हो जा रहे थे। आगे यहाँ रोलिन भी दुवे को बचाने के कारण उन ग्रिफिन्स के अटैक से यहाँ घायल हो जाती है। दूसरी तरफ इन ग्रिफिन्स का प्रकोप बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो ऐसा चिंघाड़ रहे होते हैं जिसकी आवाज से सारे लोगों के माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये लोग उस साउंड को सह नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि ये एक मेल्टल अटैक मैजिक होता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक ग्रिफिन दुवे को तपोषने आ ही रहा होता है कि तभी रॉबर्ट उस पे अटैक करता है। तभी ये लोग वहाँ पर एक खौफनाक व्यू को देखते हैं कि वो ग्रिफिन्स कैसे सोल्जर्स की बॉडी को ही हवा में चीर फाड़ दे रहे थे। अब यहाँ पे जो दुबे होता है वो उस मैजिशियन सोल्टा को ढूंढ रहा होता है ताकि वो फायर बॉल्स को जनरेट कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो मैजिशियन एक नंबर का फट्टू होता है वो कहीं दुबक के छुपा था। आगे यहाँ दुबे अपने आप में सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। कुछ करने के बजाय वो सिर्फ दूसरों को ऑर्डर दे रहा है और उस सोल्टा के बैग से उस फॉर्मूले को निकालता है जिसमें फायर एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ वो रॉबर्ट को बचाने के लिए उस ग्रिफिन पे अटैक करता है उसी फायर एलिमेंट से। आगे हम देखते हैं कि दुबे जो होता है उसी फॉर्मूले का यूज करके 2-3 बार उनपे अटैक करता है। लेकिन अब उसके पास वो फॉर्मूला खत्म हो चुका था जिसे देखते हुए अब रॉलिन उसे बचाने के लिए जाती है। तो यहाँ जो रॉबर्ट होता है उसे ये कहता है कि तुम जल्द से जल्द यंग मास्टर्स को लेकर के यहाँ इस माउंटेन से नीचे उतर जाओ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ और मैं उन्हें लेकर के यहाँ से भाग नहीं सकता, इसलिए मैं यहीं रह करके इन ग्रिफिन्स का मुकाबला करूंगा। आगे वो कंटिन्यू करते हुए बताता है क्योंकि मैं इन ग्रिफिन्स के नेचर को जानता हूँ, ये खून के प्यासे हैं और तब तक मारते रहेंगे जब तक इनके जो शिकार है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। जिस पे वो मना करती है लेकिन यहाँ रॉबर्ट के इंसिस्ट करने पे कि तुम एक रियल नाइट हो, ये तुम्हें प्रूफ करना है, यहाँ तुम्हें यंग मास्टर को बचाना ही होगा। आगे यहाँ रॉलिन को दुबे की कही हुई बात याद आती है और वो रॉबर्ट से कहती है कि तुम यहाँ से यंग मास्टर यानी दुबे को लेकर के चले जाओ, मैं इन ग्रिफिन्स का मुकाबला कर लूंगी। आगे हम देखते हैं रॉलिन को जो कि एक खंजर से अपने ही हाथ पे एक कट लगाती है और उसके हाथ से जब खून जारी हो जाता है तो वहाँ पे वो कुछ मंत्रों का जाप करती है जिससे वहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेशन बन जाता है कि उस फॉर्मेशन शील्ड के जैसे ही टच करते थे वो ग्रिफन्स वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ वो सबको कहती है कि वो जल्द से जल्द यंग मास्टर को लेके वहाँ चली जाए क्योंकि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है इन ग्रिफन्स को रोकने का, क्योंकि उसके जो ये मंत्र है तभी तक काम कर पाएंगे जब तक कि उसके यह खून उस मैजिक में मिलेगा। अब यहाँ पे उसकी इस करेज को देखते ही कि किस तरह इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है यंग मास्टर के लिए, सारे उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ गाइज हमारा ये एपिसोड यही होता है फिनिश। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अब डिस्ट्रॉय हो रहे थे। यहाँ पे उस गंजे को हम देखते हैं जो रॉलिन से कह रहा होता है कि वो जल्द से जल्द अपनी इस ब्लीडिंग को रोक ले। इस पे यहाँ रॉलिन उसे बताती है कि अगर उसके इस स्पेल को सस्टेन रखना है तो उसे अपने ब्लड की जरूरत होगी क्योंकि सिर्फ उसी के ब्लड से ही ये जादू काम कर सकता है। यहाँ रॉलिन दुवे से कह रही होती है कि हालांकि हम दोनों ज्यादा देर तक साथ नहीं रहे लेकिन मेरी जिंदगी में तुम ही एक फर्स्ट पर्सन हो जिसने मुझ पे ट्रस्ट किया और मेरी रिस्पेक्ट की, इसलिए मैं आपको बचाने के लिए यहाँ अपनी जान की भी आहुति दे दूँ तो भी मुझे इसके लिए कोई परवाह नहीं। अब रॉलिन के इस साहस को देखते ही सारे सोल्जर जो कि पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे यहाँ उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। और फिर हमें उस मिसमराइजिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे उस शील्ड से टकराते ही वो ग्रिफन्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। यहाँ रॉलिन रॉबर्ट से कहती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम लोग जल्द से जल्द यंग मास्टर को लेकर के यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम उसी टाइम दुवे को यहाँ देखते हैं जो कि कुछ और ही सोच रहा होता है और काफी देर सोचने के बाद वो इस निष्कर्ष पे निकलता है कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जो कि गड़बड़ है। और ध्यान से सोचा जाए तो उसे ये पता चलता है कि ये एक तरह का डिमोनिक रियल्म में इंटर कर चुके हैं जहाँ पे इंटर करते ही इन्होंने कुछ एबनॉर्मल मेंटल फ्लक्चुएशन को देखा है जो कि लगातार ये वेव्स उसी खोखले पेड़ के अंदर से आ रही थी। अब यहाँ पे उसे बात समझ में आती है और उसे इस चीज का सॉल्यूशन भी मिल जाता है कि तभी हम देखते हैं कि जाके दुवे रॉलिन को वहाँ पे ये करने से रोकता है और उसके हाथ से जो ब्लीडिंग हो रही होती है सबसे पहले उस पे एक पट्टी लगाता है जिससे वो शील्ड धीरे धीरे खत्म हो रही थी और ये ग्रिफन्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं।
आगे दोए उन सभी को यहाँ अपनी जान के सेक्रीफाइस करने के लिए उन्हें थैंक यू कहता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा जरूर है जो हमें ट्रिक कर रहा है और उस ट्रिक को खत्म करने का टाइम आ गया है। लेकिन यहाँ पर उन सभी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं कि वो दोए को एक ग्रिफिन से बचाने के लिए तेजी से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जब आगे बढ़ता है कि तभी हम देखते हैं कि दुबे अपने उसी खंजर से अपने ही सिपाही रॉबर्ट को मार डालता है, ये कहते हुए कि अब ये ड्रीम यही खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ग्रिफिन्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं वो सारे के सारे खुद ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब ये सीन काफी ज्यादा अमेजिंग होता है और सबसे ज्यादा विचित्र करने वाली बात ये होती है कि सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ दुबे सबको ये रिवील करता है कि ये एक प्रकार का इल्यूजन था। इस इल्यूजन का सोर्स जो था वो रॉबर्ट था, इसीलिए मुझे इसे मारना पड़ा उसके ड्रीम में ताकि इस इल्यूजन को यहाँ पे खत्म कर दिया जाए। अब यहाँ पे रॉबर्ट को ही इसलिए चूज किया गया था क्योंकि अपने पास्ट में उसने इसी तरह के ग्रिफिन्स का सामना किया था, ये उसकी अब तक की सबसे भयानक यादों का एक्सपीरियंस था, इसीलिए उस मायावी ने इसे अपना टारगेट किया। और रही बात यहाँ रॉलिन की तो ये मोन क्लैन से है, इसलिए जब इसने अपने ब्लड का यूज करते हुए उस मैजिक स्पेल को कास्ट किया तो वो भी इस डेमोनिक रियल में इंटर कर गई। लेकिन ये अभी ठीक है और इसकी जो इंजरीज है ये सिर्फ इसके हाथों में है, जैसे इसके हाथ ठीक हो जाएंगे ये वापस से नॉर्मल हो जाएगी। आगे दुबे उसी खोखले पेड़ को एक किक मारता है और कहता है कि इन सब की वजह तुम ही हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक क्यूट सा क्रिएचर वहां से बाहर निकलता है जिसे दुबे पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि मैं जानता हूं कि तुम उस चीज की तलाश कर रहे हो जिससे मुझे डर लगता है और तुम लोगों के ही सबसे बड़े डर का यूज करते हो और इसी डर का यूज करके तुम इन्हें एक ऐसे रूल में फंसा देते हो ताकि वो उस लूप में हमेशा के लिए रह जाएं। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरह के तुम इल्यूजन को रिक्रिएट करते हो क्योंकि मैं उससे डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं इस वर्ल्ड का तो हूँ ही नहीं। अब ये सुनते ही वो क्रिएचर यहाँ शॉक हो जाता है कि जो इस वर्ल्ड का है ही नहीं है तो यहाँ के इल्यूजन से ये क्या डरेगा। अब ये सुनते ही वो क्रिएचर यहाँ दुबे से ही डरने लगता है कि तभी सॉल्टा उसे बताता है कि इस क्रिएचर पे जो ये हॉर्न्स हैं वो एक लेजेंडरी फेयरफुल फैंटम है जो कि हजार साल पहले ही लुप्त हो चुका है, लेकिन अगर हम इसके हॉर्न्स को निकाल ले तो ये हमें काफी फायदा पहुंचा सकता है जो कि हमें हर तरह की मेंटल मैजिक से इम्यून कर सकता है। मतलब कि अगर हम इसके हॉर्न्स का यूज करके एक ऐसा पोशन बनाएंगे जिससे हमें किसी दूसरे की मेंटल मैजिक असर ही नहीं करेगी। जिस पे यहाँ दुबे ये कहते ही अपने खंजर को निकाल लेता है कि हमें यहाँ बैठे बैठाया एक रेयर काइंड ऑफ ट्रेजर मिल गया। अब जैसे ही वो उस क्रिएचर्स के अंदर से उस हॉर्न को निकालने ही वाला होता है हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी अपेयर होती है, इससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस क्रिएचर को हम एक मैजिशियन के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ पाते हैं जिससे सभी लोग यहाँ पे फिर से अलर्ट हो जाते हैं और वो अपने यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस पे सोल्टा उन्हें ये बताता है कि ये एक हाई लेवल का मैजिशियन होगा क्योंकि इस तरह की जो ग्रीन फ्लेम होती है वो टेलीपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है। आगे हम उसी मैजिशियन को देखते हैं जिसके पास एक हेवनली गोल्डन कलर का ब्रोच होता है। अब ये जो बैच होता है ये सिंबलाइज करता है कि ये एक ग्रेट मैजिशियन है। लेकिन हम उसी टाइम यहाँ दुबे को देखते हैं जो उससे डर तो नहीं रहा होता है और भी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन हम यहाँ दुबे को देखते हैं जो कि उससे जरा भी डर नहीं रहा होता है बल्कि एक्साइटेड होता है क्योंकि वो अब अपनी जिंदगी में एक ऐसे ग्रेट मैजिशियन से मिलेगा जो कि 8 या उससे भी अबव लेवल का है और उससे भी ज्यादा वो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये मैजिशियन यहाँ पे क्या कर रही है। आगे यहाँ जो रॉबर्ट होता है वो अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो लियो फैमिली का एक 4th लेवल का नाइट है और यहाँ वो उस मैजिशियन से उसके आने का पर्पस पूछ रहा होता है क्योंकि उनके इस वर्ल्ड में मैजिशियंस की काफी इज्जत होती है और सारे लोग उस मैजिशियन को सम्मान देते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो मैजिशियन जो होती है वो काफी झल्ली किस्म की होती है, वो जैसे यहाँ पे अपेयर होती है एक पत्थर से डकरा के गिर जाती है जिससे यहाँ सभी को पता चल जाता है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें अभी हम लोग कर रहे थे यहाँ तो ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इस मैजिशियन में, क्योंकि वहाँ हमें एक क्यूट सी प्यारी लड़की दिखती है जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो विविन है जो कि एक मैजिक सोसाइटी के मैजिशियन है और इसका लेवल है 888। अब उसके 888 के लेवल के मैजिशियन सुनते ही सारे लोग यहाँ शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये जो एपिसोड होता है यही होता है फिनिश। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि दुबे अब उस माउंटेन पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे एक मॉन्स्टर कोहराम मचा रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि ये उस डिमन के द्वारा बिछाया हुआ एक ऐसा इल्यूजन था जिसमें वो लोगों के डर का इस्तेमाल करता था। जैसे यहाँ दुबे उस इल्यूजन को तोड़ता है हम देखते हैं कि उस डिमन की जो मॉन्स्टर होती है वो एक मैजिशियन गर्ल होती है जो कि अपने मैजिक के 888 लेवल पे होती है और इसका नाम विविन होता है।
अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं विविन को, जो उन सभी से डरते डरते कहती है कि ये जो डिमन है वो उसी के टीचर का एक पेट है जो उससे खो गया था और वो उसी को यहाँ ढूंढने आई है। जिस पे दुवे यहाँ उसे कहता है कि तुमने अपने इस हाई लेवल के डिमन मॉन्स्टर को यहाँ छोड़ दिया जिसने यहाँ अब काफी ज्यादा कोहराम मचाया, तो बताओ जब तुम इसकी केयर टेकर थी तो आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा। जिस पे यहाँ विविन उसे सॉरी कहने लगती है, तो यहाँ दुबे उसे कहता है कि सिर्फ सॉरी कहने से मेरे इन सिपाहियों ने जितने खून पसीना बघाया है इसकी भरपाई कैसे होगी। हाँ, विविन पूरी तरह से उसके भोलेपन का फायदा उठाता है उसे ये कहते हुए कि तुम्हारे इस छोटे से डिमन ने ये कोलाहल यहाँ मचाया है तो इसका हर्जाना भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा, वरना तुम पुलिस को तो जानती हो कि पुलिस कैसे गलती करने वाले को सजा देती है। जिसपे यहाँ विविन उससे पूछ रही होती है कि आखिर ये पुलिस क्या होती है। फिर दुवे यहाँ उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाता है, लेकिन वो खुद उसके क्विटनेस पे फ्लैट हो चुका था। जिसपे विविन यहाँ उसे डरते डरते कहती है कि क्यों ना वो उसके सोल्जर की इस तरह की भरपाई अपने पास जो चीजें हैं उन्हें दे करके कम्पनसेट कर ले। इसके लिए सबसे पहले वो अपने मैजिकल बैग से एक वाटर जेम निकालती है, जिसे देखते ही सोल्टा यहाँ ऐसा ललचाता है क्योंकि वो एक ऐसा जेम स्टोन होता है जिसके कारण वाटर मैजिक की पावर को एनहेंस किया जा सकता है। इस पे दुवे उसे लेने के लिए इनकार कर देता है क्योंकि उसके सोल्जर्स ने जो इतनी बड़ी हानि सही होती है ये उनके कम्पनसेट करने के लिए काफी नहीं था। जिसपे विविन अब अपने मैजिकल बैग में रखे हर एक ट्रेजर्स को एक एक करके उसे निकालते हुए देती है, जिसमें सबसे पहले वो फायर बीट्स को निकालती है जिसे उसने खुद रिफाइन किया होता है। जिसपे विविन उसे कहता है कि ये मेरे लिए काफी नहीं है क्योंकि मेरी फीमेल नाइट जो इस तरह से घायल हुई उसकी इंजरी के क्या। जिसपे विविन उसके लिए फिर बहुत सारे मैजिकल कोर्स देती है, तो आगे दुवे उसे कहता है कि और उसका क्या जो मैं इतनी बुरी तरीके से तुम्हारे इस तरह से अपीयर होने से डर गया, उसकी भरपाई यहाँ पे कौन करेगा। जिसपे हम फिर से विविन को देखते हैं कि वो अपने बैग में से इंटरमीडिएट मैजिक को सीखने के लिए बहुत सारे मैजिकल स्क्रोल निकालती है। इस पे सोल्टा के लिए तो यहाँ पे चांदी ही चांदी थी क्योंकि वो इन सब चीजों को पाके बड़ा खुश था। लेकिन आगे जो दुवे होता है वो फिर से विविन को घूर कर देखने लगता है, जिसपे विविन कहती है कि मेरे पास बस इतना ही था। जिसपे दुवे अब यहाँ पे अगला पासा फेंकता है ये कहते हुए कि ये सारी चीजें जो तुमने अभी अभी दी है ये सारे मेरे सोल्जर को कम्पनसेट करती है, लेकिन तुमने अब तक मुझे सेटिस्फाइड नहीं किया है। इसमें दुवे उसे अब कहता है कि मेरी बस एक ही कंडीशन है। अब विविन लगातार उसे हिचकिचाते हुए कह रही होती है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसे दुवे कहता है कि मुझे तुमसे कोई मटेरियल कंपनसेशन नहीं चाहिए क्योंकि मैं बस एक ऐसा नोबल मैन हूँ जिसे सिर्फ और सिर्फ मैजिशियन और मैजिक सीखने की तलब है। अब ये सुनते ही जो सोल्टा होता है यहाँ अजीब सा फेस बनाता है कि इतनी सारी मुझे पड़ताड़ना देने के बावजूद तुम कहते हो कि तुम मैजिशियन की इज्जत करते हो। आगे यहाँ दुवे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं मैजिक को सीखना चाहता हूँ और इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो अपनी थोड़ी बहुत गाइडेंस दे करके। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे कुछ एडवांस मैजिक स्पेल्स को सिखाना होगा। अब ये बहुत नामुमकिन सी बात होती है क्योंकि किसी भी मैजिशियन के लिए उसके जो मैजिक स्पेल होते हैं वो उसकी लाइफ के समान होते हैं। यहाँ दुवे इसी चीज को मांग रहा होता है जिससे विविन काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके टीचर ने बताया था कि किसी भी दूसरे को अपने स्पेल्स नहीं दे सकते। जिसपे यहाँ दुवे फिर से उसे अपने शब्दों के जाल में फंसते हुए कहता है जिसपे यहाँ दुवे अपने लफ्जों के जाल में उसे फंसाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे टीचर ने ये भी कहा था कि इस फैंटम मॉन्स्टर को इधर उधर छोड़ देना, फिर भी तो तुमने ऐसा किया ना, इसका मतलब है कि तुम खुद रूल्स को वायलेट कर रही हो। और वैसे भी हमने तो यहाँ तुम्हारी इस छोटी सी चीज को जिसने इतना कोहराम यहाँ मचाया था उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद की है, एज अ कॉम्पनसेशन के लिए तुम्हें मुझे मैजिकल स्पेल्स सिखाने ही होंगे। जिसपे यहाँ विविन इतनी भोली होती है कि वो उसकी इस कंडीशन को मान जाती है, लेकिन यहाँ पे हकलाते हुए उसे कह रही होती है कि वो बस एक 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 ही स्पेल को सिखा पाएगी। तो यहाँ जो दुबे होता है उसे कहता है कि ठीक है, एक 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 मतलब तुम्हें मुझे 5 स्पेल सिखाने होंगे। जिसपे यहाँ जो विविन होती है फिर से उसे हकलाते हकलाते उसे कह रही होती है, तो यहाँ जो दुबे होता है वो टोटल गिन करके बता देता है कि अब तो तुम्हें मुझे 10 स्पेल सिखानी होंगी। अब यह बेचारी विविन तो रोने लगती है कि कहाँ फंस गई मैं इस नोबल मैन के झांसे में। इसमें यहाँ दुबे उसके सिचुएशन को जानते हुए उस पे ये आसानी करता है कि एक तो बहुत कम होगा लेकिन तुम बीच का रास्ता अपना सकती हो, मुझे 10 नहीं तो कम से कम 6 मैजिक स्पेल्स को सिखानी होंगे। जिसपे यहाँ पे जो विविन होती है वो हिचकिचाते हुए मान तो जाती है, लेकिन बेचारी ये डर रही होती है कि क्या इसे रियल वर्ल्ड में सारे के सारे लोग इसी नोबल मैन की तरह स्केरी होते हैं। इस मैटर को उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके अपने मैजिक वर्ल्ड में
वापस जाना होगा। और वापस जा करके वो यहाँ कभी नहीं आएगी, ऐसा डिसाइड करते हुए वो उसकी कंडीशन को मान जाती है, जिसमें यहाँ दुए भी उसे सोचने के लिए टाइम देता है क्योंकि अब रात हो चुकी थी। ये लोग सिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो यहाँ विभिन्न से भी साथ चलने को कहते हैं कि तभी वहाँ अचानक से उन पे कोई हमला करता है। यहाँ विविन अपने मैजिक का यूज करके इसके अटैक को रोकती है और हमें पता चलता है कि ये विविन की ही बड़ी बहन होती है जो यहाँ पे उस फैंटम डिमन के लिए आई थी क्योंकि वो उसके हॉर्न को किसी भी हालत में उनसे पाना चाहती थी। एक और मैजिशियन को देख के ये लोग सारे हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ जो रॉबर्ट होता है फिर से उसके आने का यहाँ पर्पस पूछता है, जिस पे यहाँ उसकी जो बहन होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे रॉयल फैमिली से नहीं डरने वाली। आगे वो ऐसा अटैक रॉबर्ट पे करती है कि वो वहीं घायल हो जाता है, जिसे देख के विविन उससे कहती है कि वो नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई हर्ट हो। जिस पे उसके सिस्टर उसे बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहती कि कोई यहाँ पे हर्ट हो तो उस फैंटम डेमन को मेरे हवाले कर दो, जैसे मैं इसको सींग को निकाल लूंगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिस पे विविन उसे कहती है कि तुम जोजो को नहीं मार सकती क्योंकि हमारे टीचर ने इसका ख्याल रखने के लिए हमें दिया था। जिस पे उसकी सिस्टर उसे चिल्लाते हुए कहती है कि मैं उस बुड्ढे से नहीं डरती, मैं उससे तो क्या इस वर्ल्ड में किसी से भी नहीं डरती। होगा उस मैजिक वर्ल्ड का बहुत बड़ा मैजिशियन और जिसे सभी डरते होंगे, लेकिन मैं उससे नहीं डरती। ये हम यहाँ दो मैजिशियन की एक यूनिक सी चीज को देखते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। बाकी हम देखते हैं यहाँ विविन के काफी ज्यादा मान्य करने के बावजूद भी जो उसकी सिस्टर होती है वो एक ऐसे फॉरबिडन मैजिक का यूज करने वाली होती है। विविन इस मैजिक को यूज करने से मना कर रही होती है, जिस पे वो इसकी एक नहीं मानती और हम देखते हैं कि वो अपने मंत्र का जाप शुरू कर देती है। ये देखते ही जो विविन होती है वो दुवे से कहती है कि जल्द से जल्द तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जैसे ही दुवे वहाँ से भागने वाला हुई होता है कि हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर उसे कैप्चर कर लेती है। यहाँ वो अब विविन को उस दुवे को लेकर के धमकी दे रही होती है कि लगता है कि तुमने अपने लिए कोई लवर ढूंढ लिया है और इस नोबल मैन की जोड़ी तुम्हारे साथ अच्छी रहेगी, तो तुम ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे इस लिटिल लवर को छोड़ दूं, तो जल्द से जल्द उस डेमन को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारे ये जो लिटिल लवर है वो मेरे पेट का खाना बन जाएगा। इस पे यहाँ दुवे उसे टोकते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी, मैंने काफी दिनों से नहीं नहाया है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पेट का पेट खराब हो जाएगा। इस पे वो उसे चुप कराती है और आगे एक बहुत बड़े आइसबर्ग के ऊपर उसे फेंक देती है, ये कहते हुए कि तुमने अपनी जिंदगी का आखिरी और पहला ड्रैगन अब देखोगे। जैसे ही वो आइसबर्ग वहाँ टूटता है हम एक बहुत बड़े ड्रैगन को अपीयर होता देखते हैं। जैसे ही वो ड्रैगन यहाँ पे दुवे पे अटैक करने वाला होता है कि हम विविन को देखते हैं जो कि अपने मैजिकल वॉन्ड का यूज करते ही एक ऐसा मंत्र पढ़ती है कि वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। इससे सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो तीनों गए कहाँ। यहाँ पे रॉबर्ट जो होता है उन्हें ढूंढने के लिए चारों तरफ अपने सैनिकों को फैला देता है इसी मिस्ट्री के साथ कि आखिर वो लोग किस जगह पे चले गए हैं। ये एपिसोड हमारा यहीं होता है फिनिश। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दुवे को लाके खड़ा कर देती है, ये कहते हुए कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे इस लिटिल लवर को अपने पेट का खाना बना दूंगी। जैसे ही वो ड्रैगन यहाँ दुवे को खाने वाला होता है कि हम देखते हैं कि विविन अपने मैजिकल वॉन्ड का यूज करती है और उन सभी को वहाँ से डिसअपीयर कर लेती है। अब यहाँ जो रॉबर्ट होता है वो अपने सारे सोल्जर्स को यह आदेश दे देता है कि वो जल्द से जल्द मास्टर दुवे को सर्च करने के लिए पूरे इलाके में फैल जाए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि विविन ने अपनी बहुत बड़ी मैजिक एनर्जी की पावर का यूज किया होता है दुवे और अपने आप को उस ड्रैगन समेत उस माउंटेन के पीक पे लाने के लिए। इससे उसकी काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी वेस्ट हो चुकी होती है। इससे उसकी बहन उसे कहती है कि अब तुम्हारी तो एनर्जी वेस्ट हो चुकी है तो तुम मुझे आगे कैसे बीट करोगी। जिसपे हम विविन को अब देखते हैं कि वो उस फैंटम डिमन यानी जोजो को दुबे को सौंप देती है, ये कहते हुए कि अब तुम्हें इसका ख्याल रखना है। आगे फाइट करने के लिए चली जाती है अपनी सिस्टर के साथ। हाँ हम देखते हैं कि वो अपने वॉन्ड का यूज करती है और अपने फायर ड्रैगन को समन करती है। यहाँ पे उसकी सिस्टर के आइस ड्रैगन और उसके फायर ड्रैगन के बीच यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। अब विविन के उस रेड फ्लेम ड्रैगन को देख के उसकी सिस्टर हैरान हो जाती है क्योंकि उनके जो ओल्ड टीचर थे उन्होंने इस हेरिटेज को विविन को देने का फैसला किया था, जबकि विविन से भी ज्यादा टैलेंटेड यहाँ उसकी सिस्टर थी। बाद से वो अपने उस ओल्ड टीचर पे और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। इस बात से वो और भी ज्यादा चिढ़ते हुए अपने आइस ड्रैगन को ये ऑर्डर देती है कि वो उसके फ्लेम ड्रैगन को जमा दे। यहाँ हम उन ड्रैगन के बीच एक काफी घमासान युद्ध को देखते हैं, जिसे यहाँ दुवे काफी इंजॉयमेंट के साथ देख रहा होता है और यहाँ वो अपने आप को कोस रहा होता है ये कहते हुए कि इस वर्ल्ड के ड्रैगन तो काफी ज्यादा अमेजिंग है लेकिन मैं यहाँ मोबाइल फोन लेकर के क्यों नहीं आया। लेकिन हम यहाँ पे उन ड्रैगन के बीच के फाइटिंग सीन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो जो आइस ड्रैगन होता है वो उसके फ्लेम ड्रैगन पे हावी हो रहा था।
जिसे देख के यहाँ दुए ये विविन से कहता है कि तुम वाकई में एक सिली मैजिशियन हो और तुम्हारी सिस्टर सही कह रही है। तुम्हें अपनी पूरी मैजिक एनर्जी को टेलीपोर्टेशन में यूज नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हारे पास काफी कम एनर्जी बची है तो तुम उस आइस ड्रैगन को बीट नहीं कर सकती। इसमें यहाँ विविन उसे कहती है कि मैंने उन इनोसेंट सोल्जर्स की जान बचाने के लिए और तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही सबसे किनारे इस माउंटेन के पीक में इनको लेके आ रही हूँ और तुम यहाँ मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हो। आगे दुवे उसे कहता है कि अगर तुम्हारी मैजिक एनर्जी इसी तरह से ड्रॉप होती रही तो तुम यहाँ पे डेफिनेटली हार जाओगी। इससे बेहतर यही है कि तुम इस फैंटम डेमन को अपनी सिस्टर को क्यों नहीं दे देती। जिसपे यहाँ विविन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती तो दुवे उसे कहता है कि एक और रास्ता मेरे पास है। तुम यहाँ अपने इस फैंटम डेमन को यहाँ से लेकर के चली जाओ और मुझे यहीं अकेला छोड़ दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं उस ड्रैगन का खाना बन जाऊँ और वैसे में ही मैं इतना राइटेसियस इंसान नहीं हूँ जिसके लिए तुम अपने आप को यहाँ सेक्रीफाइस करो। लेकिन यहाँ विविन ये करने से भी मना कर देती है। जिसपे यहाँ दुवे होता है सोच रहा होता है कि ये लड़की तो वाकई में सिली है और ये क्रूर वर्ल्ड में अब तक कैसे सर्वाइव कर पाई है। अब आगे हम यहाँ देखते हैं कि दुवे यहाँ उसकी मदद करने के लिए उसके कानों में एक प्लान बता रहा होता है। ये देख के जो उसकी सिस्टर होती है वो उनसे कहती है कि इस डेंजरस सिचुएशन में भी तुम्हें इतना टाइम मिल गया कि तुम प्यार मोहब्बत की बातें कर सको। ये देख के वो अपने ड्रैगन को समन करती है जिसका नाम ऑक्ट होता है, ये कहते हुए कि डिनर का टाइम आ गया है। अब आगे हम यहाँ उन दोनों ड्रैगन्स की चेस को देखते हैं, जहाँ पे वो जो फ्लेम ड्रैगन होता है वो साइज ड्रैगन से बच के भागने लगता है, जिसे यहाँ उसकी सिस्टर सोचती है कि अब उसकी जीत होने वाली है। कि तभी हम देखते हैं कि वो जो फ्लेम ड्रैगन होता है बहुत ही सामने से उस पे अटैक करता है। इस पे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो माउंटेन की चोटी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। आधी माउंटेन उनकी जम जाती है और आधी माउंटेन जल के राख हो जाती है। देखते ही पहले के जो सिपाही होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर इस हादसे में उनके जो नोबल मैन दुवे हैं उनको कुछ हुआ तो महाराज इस प्रोविंस के किसी भी लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सब मास्टर दुवे को ढूंढने के लिए उस पहाड़ की चोटी की तरफ भागते हैं। इधर हम सीन देखते हैं वापस उसी फाइट का। हाँ, हमें इनके प्लान के बारे में पता चलता है कि विविन ने जानबूझकर अपने ड्रैगन को यहाँ पे नीचे गिराया ताकि उसकी सिस्टर को लगे कि उसका ड्रैगन पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और जैसे वो उसकी गलतफहमी में पड़ी उसके ड्रैगन ने यहाँ सामने से उस पे अटैक किया। अगर कोई ड्रैगन अपने क्लोज रेंज से अटैक करता है तो उसकी जो ब्लोइंग फायर होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इससे वो समझ जाती है कि जरूर इस प्लान के पीछे उस नोबल मैन का हाथ होगा। आगे वो यहाँ विविन को ये चुनौती देते हुए चली जाती है कि अगली बार मैं तुमसे जरूर मिलूंगी और उस समय देखना कि मैं तुम्हारे उस लिटिल लवर को कैसे अपने ड्रैगन का खाना बनाती हूँ। इधर सीन कट होता है और हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारी बात महाराज को बताई जाती है और वो अब गुस्से से दुवे के लिए ये फरमान जारी करते हैं कि जैसे ही वो मिले उसे तुरंत ही युवराज के पद से बेदखल कर दिया जाए, मीन्स कि उसके नोबल मैन होने के सारे राइट्स को छीन लिया जाएगा। कि यहाँ दुवे ने महाराज के ऑर्डर की नाफरमानी की है। महाराज ने उसे अपने प्लेन एरिया की टेरिटरी में भेजा था ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, लेकिन उसके आदेश को ना मानते हुए दुवे ने किसी दूसरे प्रोविंस जाने का फैसला किया। आगे हमें यहाँ दुवे की माँ को भी दिखाया जाता है जो कि उस जनरल से पूछने पे ये पता चलता है कि दुवे को एक मैजिशियन ने किडनैप कर लिया है। ये अब किसी को नहीं पता है कि वो अब तक जिंदा है या मारे जा चुके हैं। अब ये सुनती है जो उसकी मदर होती है वो अपने सर्वेंट से कहती है कि मेरे अब तक के सारे गहनों को बेच डालो और पूरे हंट कंट्री में ये ऐलान करवा दो कि जो भी मास्टर दुवे को ढूंढ के लाएगा उन्हें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। कि वो लाइट के दीवे से यहाँ प्रे करती है कि उनके सन को कुछ ना हो। बाकी यहाँ सीन कट होता है और जहाँ दुवे की माँ इतनी परेशान हो रही होती है वहाँ हम दुवे को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन का राइड ले रहा होता है। यहाँ वो काफी ज्यादा एंजॉय करता है क्योंकि वो पहली बार किसी ड्रैगन के ऊपर बैठा था, लेकिन यहाँ फिर से वो अपने आप को कोसने लगता है कि आखिर क्यों नहीं मैं अपना मोबाइल फोन यहाँ पे लेके आया। से हमें ये पता चलता है कि दुवे आज के मॉडर्न वर्ल्ड से यहाँ पे आया है किसी टाइम मशीन के जरिए। आगे यहाँ विविन को उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही होती है जो उससे कहती है कि इस ड्रैगन के स्किल्स को इतनी जोर से पकड़ना बंद करो वरना ये नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसका ये जो फ्लेम ड्रैगन है जिसका नाम उसने बर्निंग सन रखा है ये अभी भी एक छोटा बच्चा ही है। अगर कोई इसके स्किल्स को इस तरह से स्क्रैच करता है तो वो उन लोगों को पसंद नहीं करता। जिसपे दुवे उसे कहता है कि अगर मैं इसके स्केल्स को नहीं पकड़ूंगा तो मैं आखिर किस चीज को पकड़ूं, तुमने तो इसमें किसी तरह का लगाम भी नहीं लगाया है और अगर तुम कहो तो मैं इसके लिए एक शानदार लगाम बनवा सकता हूँ। अब ये सुनते ही वो जो ड्रैगन होता है वो एकदम गुस्से में आ जाता है और वो ऐसा फ्लाई करने लगता है गोल गोल कि इन दोनों को ही नीचे गिरा देता है। अब यहाँ ये दोनों ही धड़ से जमीन पे गिरते हैं और कुछ देर बाद इनकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को किसी वीरान जगह पे पाते हैं। यहाँ दुवे जागते ही कहता है कि काफी ज्यादा चोट तो लग गई लेकिन थैंक गॉड कि मैं जिंदा हूँ। आगे जब उसकी नजर विविन पे पड़ती है तो वो अपने ड्रैगन को हील कर रही थी।
लेकिन आगे यहाँ विवेन उसे एक ऐसी बात बताती है जिससे दुबे के तो होश ठिकाने नहीं रहते। विवेन उसे कहती है कि उसका ये जो मैजिक है वो तो वर्क ही नहीं कर रहा, मतलब कि वो अपने मैजिकल पावर्स को यूज ही नहीं कर पा रही है। इसके कारण वो उस ड्रैगन को भी हील नहीं कर सकती। अब ये दोनों उस जगह से निकलने के लिए पूरी तरह से ही इस ड्रैगन पे ही निर्भर थे। अब विवेन के ऐसा ना कर पाने का मतलब है कि इन लोगों का इसी जगह पे फंसे रह जाना। अब यहाँ दुबे की एक जोरदार चीख के साथ हम देखते हैं कि ये एपिसोड हमारा यही फिनिश होता है। अब यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है यहाँ पे विवेन के ड्रैगन के गिरने पर वो भी घायल हो चुका था, और जैसे ही विवेन उसे हील करने जाती है यहाँ देखती है कि वो अपनी शक्तियों का यूज नहीं कर पा रही थी। अब आगे दुबे जो होता है वो अपने बोर्ड्स को निकाल कर साफ करने लगता है और उसमें पानी भरने लगता है। ये देख के विवेन उससे कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। इस पे वो बताता है कि उसे जल्द से जल्द इस आइलैंड से बाहर निकलना है और इस जर्नी में आगे हो सके कि उसे पानी ना मिले, इसीलिए वो अभी से ही पानी को स्टोर करके रख रहा है। जिस पे विवेन डिस्कस्टिंग सा फेस बनाते हुए उससे कहती है कि क्या तुम यही पानी को पियोगे। जिस पे दुबे उसे जवाब देता है कि मुझे क्या तुम्हें भी इसी पानी को पीना पड़ेगा, और अगर तुम इसे नहीं पीना चाहती तो तुम अपने शूज में पानी को होल्ड कर सकती हो। जिस पे विवेन काफी संकोच के साथ ऐसा कर तो लेती है लेकिन उससे पूछ रही होती है क्या सच में हमें इस जूते वाले पानी को पीना पड़ेगा। जिस पे दुबे उसे जवाब देता है कि बस तुम सुबह का इंतजार करो और जब भूख और प्यास तुम्हें सताएगी तो तुम इससे भी गंदा पानी पीने के लिए हेजिटेट नहीं करोगी। बाकी ये लोग अपनी जर्नी स्टार्ट तो करते हैं लेकिन तभी हम विवेन को देखते हैं जो कि एक बेल से लड़खड़ाते हुए वहाँ गिर जाती है, लेकिन दुबे ये कहते हुए कि विमेंस आर ट्रबल फिर भी उसकी मदद करता है, उसे अपने बैग पे उठाता है और जल्द ही आगे बढ़ जाता है क्योंकि जल्द ही रात होने वाली थी और उन्हें अपना रास्ता ढूंढना था। अब काफी देर हो जाती है उन्हें उस जंगल में भटकते हुए। यहाँ पे जो दुबे होता है उस दिन के उजाले में ही चारों तरफ ढूंढेगा कि कहीं उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। शाम होने से पहले उन दोनों को अपने ड्रैगन के पास वापस आना था क्योंकि ये आइलैंड बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस होता है और उन्हें ये पता नहीं कि कब उनके तरफ खतरा बढ़ के आ जाए, क्योंकि उन दोनों के पास अब ऐसी एबिलिटी नहीं थी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब जंगल में काफी देर भटकने के बाद यहाँ विवेन सोचने लगती है कि ये दुबे जैसा बाहर से दिखता है वैसा नहीं है, ये जरूर अकेले चलते चलते काफी थक गया होगा। और यहाँ विवेन की दुबे के खिलाफ पूरी तरह से फीलिंग चेंज हो जाती है। यहाँ वो उसके बारे में दूसरे नजरिए से सोच ही रही होती है शर्माते हुए कि तभी अचानक से उसके हाथों में वो जो पानी वाला शू था, और इसी बात को वो झिझकते हुए यहाँ दुबे को बताती है कि मेरा जो जूता है वो कहीं दूर ही गिर चुका है। जिसपे विवेन उसे डांटता है कि तुम बेवकूफ ही रहोगी, और यहाँ पे सीन कट होता है। आगे हम यहाँ विवेन की सिस्टर को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन ऑक्ट के ऊपर सवारी कर रही होती है और यहाँ वो उनका पीछे करते हुए उस आइलैंड के ऊपर पहुँच जाती है। अब उसका ये जो ऑक्ट ड्रैगन होता है वो जैसे ही उस आइलैंड पे लैंड करने वाला होता है उसे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। अब ये मॉन्स्टर इतना बड़ा होता है जिसके हर एक टेंटिकल्स पर ओखिले दांतों से भरे मुंह होते हैं जो लगातार उसके ऑक्ट ड्रैगन पे अटैक कर रहे थे। बाकी वो उसे बचने के लिए अपनी आइस पावर का यूज करके एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के जो टेंटिकल्स होते हैं वो एक झटके में ही इसके फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। यहाँ उसकी सिस्टर के पास उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करती है हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने एक मैजिक बैरियर क्रिएट करके रखा है, इसकी वजह से वो दोनों वहाँ से नहीं निकल पाते। अब आगे हमें वो भयानक सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो लगातार उसके ड्रैगन को खाने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो कामयाब भी हो जाता है। और हमें एक बड़ा ही भयानक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस मॉन्स्टर के हम मुंह को खुलता हुआ देखते हैं और वो ड्रैगन उसके मुंह के अंदर चला जाता है। अब यहाँ सीन कट होता है, हमें वापस से जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दुबे ने अपने फायर एलिमेंट का यूज करके अब आग जला ली होती है, और लकीली उसके पास एक ही फायर एलिमेंट बचा था जो कि पानी में डूबने से भी नहीं भीगा था। आगे इनके पेट से जोरदार आवाज आती है भूख लगने की, तभी दुबे यहाँ विवेन से कहता है कि ड्रैगन तो काफी लजीज दिख रहा है, जरूर इसका मीट बहुत ही डिलीशियस होगा। जिस पे विवेन यहाँ पे उठ खड़ी होती है ये कहते हुए कि प्लीज मेरे इस ब्लेजिंग सन को मत खाओ, ये मेरा बहुत ही प्यारा सा पेट है। तभी विवेन की नजर उसके दूसरे प्यारे से पेट जो कि फैंटम मॉन्स्टर होता है उस पे पड़ती है, और उसे देखते हुए वो ललचाई हुई नजरों से कह रहा होता है कि इसका मीट तो जरूर सॉफ्ट होगा। जिसपे विवेन उसे कहती है कि इसे तो मेरे टीचर ने गिफ्ट दिया था, तुम तो इसे डेफिनेटली नहीं खा सकते। जिसपे दुबे उसे कहता है कि शांत हो जाओ, मैं बस मजाक कर रहा हूँ और मैंने उस फॉरेस्ट में कुछ एडिबल प्लांट्स को ढूंढ लिया था खाने के लिए। उसी वक्त हम देखते हैं कि विवेन का जो ड्रैगन होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस पे दुबे के पूछने पर विवेन उसे बताती है कि जरूर इसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसकी वजह से ये काफी डर गया है। यहाँ पे दुबे काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है ये जानने के लिए कि आखिर इतने से बड़े को ड्रैगन को जिसने डरा दिया है ये आखिर किस चीज के दहाड़ने की आवाज है।
बेसी चीज का पता लगाने के लिए वो जैसे ही उस घने जंगल में आगे जाता है, वहाँ पे चारों तरफ से कोहरा छाया था और यहाँ वो देख के समझ जाता है कि ये कोहरा किसी मैजिक के द्वारा फैलाया गया है। अब जैसे ही वो और आगे बढ़ता है, यहाँ जो चीज वो देखता है उसे काफी हैरान कर देती है। यहाँ हम विविन की ही बहन को देखते हैं कि जो अधमरी हालत में यहाँ पड़ी थी। अब आगे सीन कट होता है जहाँ हमें विविन को दिखाया जाता है जो कि उन जंगली फलों को रोस्ट कर रही होती है। उसे काफी तेज भूख लगी होती है, इसलिए वो उनमें से एक खाने का डिसाइड करती है। तभी ये सोचते हुए वो रुक जाती है कि वो दुए के आने का वेट करेगी। अब आगे उसे दुए भी दिख जाता है जो कि उसकी बहन को अब की बार अपनी पीठ पे लादे हुए ला रहा था। यहाँ हम दुए को कहते सुनते हैं कि ये दोनों बहनें तो काफी ज्यादा भारी हैं और लगता है मेरे लिए बस अब यही काम रह गया है कि इन्हें मैं अपनी पीठ पे लाद करके ढोऊं। अब यहाँ दुए पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था और वो विविन से कहता है कि अब ये तुम पे मैं डिसाइड करता हूँ कि तुम यहाँ अपनी बहन को बचाना चाहती हो या नहीं। इधर हम विविन को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर को बड़े ही प्यार से उठा रही होती है, लेकिन यहाँ उसकी सिस्टर के कुछ ना बोलने पर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और इविन की रोना भी स्टार्ट कर देती है, जिसपे यहाँ दुए को काफी ज्यादा बुरा लगता है उसके लिए और वो जाता है और उसकी बहन को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है जिसपे उसे होश आता है। और जैसे ही वो इन दोनों को देखती है, चिल्ला के उनसे कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर इविन वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और ये कहती है कि एक मिनट रुको, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसका जो ड्रैगन है वो उस मॉन्स्टर का खाना बन चुका है और इन सभी का इल्जाम वो दुए पे ही लगाती है। ये सब तुम्हारी ही गलती थी और तुम ही चेस करने के कारण मेरा जो ड्रैगन है उस मॉन्स्टर के हाथों मारा गया। अब आगे जैसे ही वो दुए पे अटैक करने वाली होती है, दुए यहाँ पे उसकी छड़ी दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसे ही ढूंढ रही हो। जिसपे उसकी सिस्टर यहाँ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, अपनी जादुई छड़ी और ड्रैगन के बिना क्या मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकती। अब जैसे ही वो अपनी मैजिक को यूज करना चाहती है, हम देखते हैं कि वो ऐसा कर नहीं पाती। अब ये जान के उसकी सिस्टर हैरान हो जाती है कि वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रही है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो उसकी मैजिक को यहाँ पे सप्रेस कर रही है। जिसपे विविन उसे समझाती है कि यहाँ पे मैजिक का यूज करना बेकार है क्योंकि ये जगह मायावी है। जिसपे दुए यहाँ विविन से कहता है कि इस हेटफुल विमेन को यहाँ कह दो कि तुम दोनों का यहाँ पे जादू का ना इस्तेमाल कर पाना ये तुम्हारी गलती नहीं बल्कि कोई और ही रीजन है इसके पीछे, क्योंकि इस जगह में ऐसी जरूर कोई अननोन पावर है जिसने इस पूरे आइलैंड को ऐसे सप्रेस कर रखा है कि यहाँ कोई भी अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता। और यही वजह है कि ये जगह इतनी सुनसान है और अब तक मैंने मैप में इस तरह के आइलैंड भी है इसके लोकेशन को अब तक नहीं देखा था। यहाँ दुए उसकी बहन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम मिस मैजिशियन, अब तुम मुझ पे किस तरह के जादू को कास्ट करोगी। जिसपे वो एक जोरदार किक लगाते हुए उसे कहती है कि भले ही मेरे पास मेरा मैजिक नहीं है लेकिन तुम मुझे यहाँ बुली नहीं कर सकते। और ये किक ना तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा कि किसी मैजिशियन के सिस्टर से पाला पड़ा था जो कि एक 7th लेवल की शॉर्ट मैन है। और मुझे विविन की तरह कमजोर समझने की गलती मत करना। दूसरी तरफ हम दुए को देख रहे थे जो बेचारा दर्द से कराह रहा था गलत जगह पे लगने के कारण। तो गाइज, इनकी इसी नोक झोंक के साथ हमारी इस एपिसोड का पार्ट यही फिनिश होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एपिसोड शुरू होता है और इन तीनों के बीच के हम खिटपिट को देखते हैं। यहाँ पे जो विविन की सिस्टर होती है वो अपने मॉन्स्टर के मरने के लिए यहाँ दुए को ही दोषी मान रही थी क्योंकि उन लोगों के पीछा करने के कारण ही उसका जो ड्रैगन है वो उस मॉन्स्टर द्वारा खा लिया गया। अब ये दोनों जो सिस्टर्स होती हैं, ये दोनों तो होती हैं मैजिशियन लेकिन फिर भी ये अपने जादू का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती हैं क्योंकि ये जंगल एक बहुत ही मायावी जंगल होता है। यहाँ पे कोई अननोन पावर होती है जिसने यहाँ पे कुछ ऐसा सप्रेस करके रखा है कि यहाँ कोई भी मैजिक काम नहीं करता। अब इसी बात को जानते हुए दुए यहाँ इसका मजाक उड़ा रहा होता है, जिसपे जो विविन की सिस्टर होती है उसे एक जोरदार किक मारती है। लेकिन यहाँ बार बार विविन दुबे को डिफेंड करती है ये कहते हुए कि इसने मेरी जान बचाई है तो तुम इसे नहीं मार सकती। जिसपे यहाँ उसकी सिस्टर उसे कहने लगती है कि तुम लगातार इस नोबल मैन को इस तरह से प्रोटेक्ट कर रही हो तो क्या मैं ये सोच रही हूँ वो सही है कि यही तुम्हारा लिटिल लवर है। जिसपे विविन उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने मेरी जान तो बचाई है साथ में इसने तुम्हारी भी जान बचाई है। जिसपे उसकी सिस्टर यहाँ दुए को एक चांस देती है ये कहते हुए कि अब जबकि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं सिर्फ तुम्हारा एक बार एहसान मानूंगी और अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो फिर देखना कि मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। अब यहाँ इनके बीच सब कुछ तय होता है कि दुए अपनी हद में रहेगा और इनके साथ बदतमीजी नहीं करेगा तो वो सोचेगी दुए को ना हर्ट करने की। तभी हमें यहाँ उसके सिस्टर के पेट से भी गुड़गुड़ की आवाज सुना देती है और ये लोग उसे ऑफर करते हैं उसी जंगली फल को। अब यहाँ पे जो दुए होता है वो खुद के और विविन के कानों को बंद कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि इसका एक बैट लेती ही वो जोर से चिल्लाएगी ये कहते हुए कि इस सड़े किसे फल को तुम लोग कैसे खा सकते हो। तभी जो विविन होती है उसे पानी ऑफर करती है और जब उसे पता चलता है कि ये
पानी जो है वो दुवे के बूट्स के अंदर का है, उस पानी को जबरदस्ती वॉमिट करके उगलने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना गंदा पानी मुझे पिलाने की। इसमें दुवे यहाँ चिल्लाते हुए उसे कहता है कि हम तुम्हारे यहाँ पे नौकर नहीं है, अगर तुम्हें फ्रेश फ्रूट और वाटर की जरूरत है तो तुम खुद जाके क्यों नहीं ढूंढ लेती, और इस तरह के सिचुएशन में तुम अपने आप को अमीरजादी मत समझो, क्योंकि यहाँ सर्वाइव करने के लिए इसी तरह के स्किल्स काम आते हैं, और जिन जिन चीजों को तुमने खराब करके स्पीड कर दिया है उन सभी को हमें ढूंढने में पूरा दिन लग गया। और विविन ने अब तक इस राशन को बचा करके रखा था क्योंकि पता नहीं हमें इस सुनसान इलाके में कब तक और रुकना पड़ जाए, और यहाँ पे उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फाइनली यहाँ पे वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ दुवे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो लियो फैमिली का करंट पैट्रियार्च है, जो वहाँ के सबसे बड़े महाराज रेमंड के एल्डेस्ट सन है, और यहाँ पे उसकी सिस्टर अपना नाम बताते हुए कहती है कि वो जोआना है, जिसपे विविन यहाँ दुवे से कहती है कि तुम इसे प्यार से यहाँ चाओ चाओ भी बोल सकते हो, जिसपे जोआना उनपे चिल्लाते हुए कहती है कि खबरदार मुझे चाओ चाओ बुलाने की कोशिश की तो, जिसपे दुवे उसे कहता है कि ठीक है मिस जोआना, अब समय आ गया है कि हम टीम मेट की तरह साथ में काम करें और इस जगह से जल्द बाहर निकले। अब सबसे पहले उन्हें इस मायावी जंगल से निकलने के लिए एक प्लान की जरूरत होती है और वो प्लान बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सर्वेंट आके महाराज को ये इन्फॉर्म करता है कि जो यंग मास्टर है वो उन दो मैजिशियन लड़कियों के साथ कहीं पे गायब हो चुके हैं। जिस एरिया में वो गए हैं वो एरिया उस समंदर के किनारे है, जिसके नजदीक जाने वाले शिप आज तक वापस नहीं आए, और वो एरिया इतना ज्यादा वियर्ड है कि आज तक इसके बारे में कोई पता नहीं लगा सका है, और लेजेंड्स का इसके बारे में कहना है कि वो जो समुंदर है उसमें डिमंस रहते हैं। अब डिमंस का नाम सुनते ही जो दुवी की मॉम होती है वो प्रे करने लगती है अपनी लाइट की देवी से कि वो उनके बेटे को सही सलामत वापस घर में लेके आए। अब यहाँ सीन वापस से कट होता है, जहाँ हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। लोगों ने किसी भी तरह से एक राफ्ट का जुगाड़ कर लिया होता है और अब वो उस आइलैंड से निकल चुके होते हैं, और यहाँ हम विविन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड थी, क्योंकि उसे अपने ड्रैगन यानी ब्लेजिंग सन को उसी आइलैंड पे ही छोड़ना पड़ा वहाँ से बाहर निकलने के लिए। जिसपे जोआना उसे कहती है कि इतना आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भी तो ड्रैगन मारा गया है। अब आगे वे लोग उस आइलैंड से तो निकल जाते हैं, लेकिन उस समुंदर के एक ऐसे फॉरबिडन एरिया में पहुंचते हैं, आगे तैरते तैरते वो लोग अनजाने में उस बाउंड्री को भी पार कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी ही देर बाद पानी में हलचल होने लगती है और उस पूरे समुद्र की जो कंडीशन थी वो स्ट्रेंजली चेंज हो गई थी। ये लोग जैसे ही यहाँ पे कुछ कर पाते हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट हो जाता है, और उस समुद्र के अंदर एक साइक्लोन क्रिएट होने के कारण हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे तीनों अब समुद्र की गहराई के अंदर जा रहे होते हैं। उन तीनों में से सबसे पहले यहाँ पे विविन की आंखें खुलती है, लेकिन यहाँ जो दुवे और जोआना होती है वो काफी ऑकवर्ड पोजीशन में होते हैं, और जैसे जोआना को इस बात का ख्याल आता है वो जोरदार किक लगाती है फिर से दुवे को, और यहाँ दुवे को वो एक नंबर का लीचर इंसान कहते हुए बुलाती है और उसे कहती है कि आगे मेरे नजदीक भी आने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें तो पता होगा कि मैं एक 7th लेवल के शॉर्ड मास्टर हूँ। जिसपे दुवे उसे कहता है क्या तुमने मुझे ढोल समझ रखा है, जब देखो बजाती रहती हो। जिसपे अब जोआना उसे कह रही होती है कि अगर तुमने दोबारा मुझ पे ऐसी नजर डालने की कोशिश की तो देखना मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। इनके इस तरह की कॉन्वर्सेशन को सुनते ही कोई जोर जोर से हंस रहा होता है, इनसे कहता है कि आप लोगों का स्वागत है इस डेविल केव में, और 1000 सालों में यहाँ पे आने वाले तुम पहले गेस्ट हो। जिसपे दुवे उसे पूछता है कि तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है। जिसपे हम वहाँ पे एक अजीब सी क्रिएचर को देखते हैं जो कि स्नोक फॉर्म में वहाँ पे अपेयर होता है। यहाँ पे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि उसका नाम क्राइसिस है, लेकिन वो इस जगह का मालिक नहीं है, वो यहाँ का सिर्फ एक सर्वेंट है और अपने मास्टर के ऑर्डर के मुताबिक वो इस जगह को गार्ड करता है। जिसपे यहाँ दुवे उसे कहता है कि मेरा नाम दुवे, ये जोआना और ये विविन है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे होस्ट कौन है या तुम्हारे मास्टर कौन है। जिसपे क्राइसिस उनसे कहता है कि मेरे मास्टर उनको सभी जानते हैं, और यहाँ पे इस कैरेक्टर को जिसने भी डबिंग किया था वो उसकी आवाज काफी मिस्टीरियस लग रही थी गाइस। यहाँ पे अपनी भारी से आवाज में कहता है कि दुनिया की हर एक किताबों में उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा गया है, लेकिन इस वर्ल्ड में सभी उन्हें डिमन के नाम से जानते हैं। अब जैसे उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं डेविल। सो गाइस, आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये एपिसोड एक ऐसे इंटरेस्टिंग मोड पे खत्म हुआ है, जहां हमें ये जानने की क्यूरियोसिटी हो जाती है कि आखिर ये जो डिमन यानी डेविल है इसने दुवे और बाकियों को यहां पे क्यों बुलाया है, उस मिस्टीरियस आइलैंड और उस बड़े से मॉन्स्टर का आखिर क्या राज है जो सभी को इस फॉरबिडन एरिया में आने से रोकता है।
साथ ही इसके आने वाले एपिसोड में ही हमें ये पता चलेगा कि आखिर दुबे की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि उसे उस डिवल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसके कारण वो खुद भी एक डिवल बन जाएगा, जो कि इस सीरीज की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट होगी। सो गाइज, मिलते हैं इसके बहुत ही अमेजिंग से नेक्स्ट एपिसोड में, जिसे आप लोगों ने मेरे ही चैनल पर देखना कंटिन्यू करना है। साथ ही अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो सिर्फ कमेंट में 1 हार्ट दे दो। आपके 1 हार्ट से ही मेरा दिन बन जाएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स एंड लाइक्स ही हैं जो मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थ्रिल एंड टेक